अब आगे की कहानी। प्रणव ने अकीरा को देखा, उसका फेस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। उसकी आंखों में अथर्व के लिए प्यार दिख रहा था, उसके फेस पर हल्की सी स्माइल थी और उसके डिम्पल्स बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे थे। उसकी स्किन सॉफ्ट और ब्राइट थी और उस लैंप लाइट के नीचे उसके फेस पर कोई पोर्स नहीं दिख रहे थे। उसके बाल खुले थे और वो भी सॉफ्ट थे। वो अपनी उंगलियों से अथर्व को ब्लैंकेट के ऊपर से टैप करते हुए उसे स्टोरी सुना रही थी। प्रणव ये सब बहुत ध्यान से देख रहा था। वो अपने बचपन को याद करने लगा। उसे याद नहीं था जब वो अथर्व के एज का था तब उसे किसी ने इतने प्यार से सुलाया हो। और थोड़ी ही देर के बाद प्रणव अंदर गया। प्रणव को देखकर अकीरा थोड़ी अलर्ट हो गई थी। उसने बाथरॉब पहना हुआ था जो लूजली टाइट था। उसके चेस्ट और एब्डोमेन के कुछ मसल्स विजिबल थे और उसके पैर बहुत लंबे थे। अकीरा ने उसको एक लुक देने के बाद अथर्व को देखकर बोला, अथर्व सो गया है, तुम अपने रूम में रिटर्न जा सकते हो। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही प्रणव ने उसे एक बॉटल फेंक कर मारा। अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि अब उसने क्या गलत किया। उसने तो अच्छे से सिर्फ उसे यहाँ से जाने के लिए बोला था ना, फिर उसने अपने पास की ये बॉटल मुझ पर क्यों फेंकी। ये दवाई की बॉटल है, इसे मार्क्स पर लगा लेना, थोड़ा रिलीफ होगा। अकीरा के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा और इरिटेशन नजर आ रहा था। गलती करने के बाद ऐसे पछतावा, ये तुम्हारा रोज का काम है क्या? पहले किसी को टॉर्चर और ह्यूमिलिएट करो, इतने मार्क्स और पेन दो, फिर बाद में मेडिसिन दे दो। प्रणव बेड के कॉर्नर पर जाकर बैठ गया था और उसने अपने बाल ठीक किए और अकीरा को बहुत सॉफ्ट और लो वॉइस में कहा, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने का एक चांस दूंगा। अकीरा प्रणव को गुस्से से देखने लगी थी और गुस्से में उसने प्रणव को बोला, मैं तुम्हें एक्सप्लेन क्यों ना करूं? तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझे ऐसे ह्यूमिलिएट करो। प्रणव अकीरा के पास गया और नीचे उसके पास झुक गया। अकीरा ने इमीडिएटली अपनी बॉडी को पीछे लीन किया, वो ऑलमोस्ट बेड पर लेट गई थी। प्रणव ने अपना फेस नीचे किया और वो दोनों बहुत क्लोज थे। अगली बार तुमने मुझे क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करूंगा। अकीरा ने प्रणव को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उतने में ही प्रणव ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसे हल्के से किस करते हुए कहा, अगर तुम मुझे मारने के बाद तुम्हारे साथ जो होगा वो टॉलरेट कर सकती हो तो तुम। इतना कहकर उसने अकीरा को छोड़ दिया। अकीरा उसे गुस्से से घूरने लगी और उसमें प्रणव को मारने की हिम्मत नहीं थी। प्रणव ने स्माइल करते हुए अकीरा को नाक पर पिंच किया और इससे उसका मतलब ये था, मुझे पता है कि तुम ऐसे कुछ नहीं करोगी। वो नीचे बेड पर बैठा और उसने अकीरा को ऊपर उठा लिया। अकीरा स्ट्रगल करने लगी और उससे दूर जाना चाहती थी, लेकिन प्रणव ने उसके कान पर बाइट किया। बाइट करके उसको धीरे से बोला, तुम सोते हुए अथर्व को उठाना चाहती हो? अकीरा ने प्रणव को घूरते हुए पूछा, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? मैं तुम्हारी बॉडी पर दवाई लगा देता हूं। मैं खुद लगा लूंगी। तुम अपनी पीठ पर दवाई कैसे लगाओगी? प्रणव अकीरा को कुछ बोलने से पहले ही उसके ड्रेस को ऊपर करके दवाई लगाने लगा। पीठ पर दवाई लगाने के बाद प्रणव को बाकी जगह पर भी दवाई लगानी थी, लेकिन अकीरा ने मना किया और फिर प्रणव ने फोर्स भी नहीं किया था। अकीरा रेस्टरूम में जाकर बाकी बची हुई मेडिसिन लगा कर आई और उसने देखा कि प्रणव अथर्व के दूसरे साइड सोया हुआ था। ये देखकर उसे थोड़ी शांति मिली। उसने अथर्व को अपने पास लिया और उसे पकड़कर सो गई थी। अथर्व के साथ सोने में अकीरा को अच्छा लगता था। और अब आधी रात की बात है। प्रणव की आधी रात में आंखें खुली और वो सो नहीं पा रहा था। उसने देखा कि अकीरा के पास में अथर्व सोया था और उसके मुंह से सलाइवा नीचे ड्रॉप हो रहा था और वो अकीरा के चेस्ट के पास था। ये सब देखकर प्रणव को अच्छा नहीं लग रहा था। वो अकीरा का बेटा है, लेकिन वो भी ऐसे उसके पास इतना क्लोज होकर नहीं सो सकता। वैसे वो जगह पर सिर्फ और सिर्फ मैं ही सो सकता हूँ। प्रणव ने बिना कुछ सोचे अथर्व को अकीरा से दूर किया और खुद जाकर अकीरा के पास उसे पकड़कर सो गया था।
उसने अथर को अकीरा के बाजू से हटाकर अपने बाजू में सुला दिया था। अकीरा कुछ दिनों से अच्छे से सोई नहीं थी। उस रात उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी बॉडी के बाजू में कोई हीटर है, जैसे वो किसी हीटर के बाजू में सोई हो। उसने सोचा कि वो अथर्व होगा और उसने उसको और जोर से पकड़ लिया था और सो गई थी। प्रणव ने अकीरा को अपने हाथों पर रेस्ट कराया और उसे टाइटली पकड़ कर रखा। उसने अकीरा को देखा, वो बहुत अट्रैक्टिव दिख रही थी और उसे देखकर वो कंफर्टेबल लग रही थी। प्रणव ने अकीरा के बालों को हाथ लगाया तो उसमें से जैस्मिन फ्लावर की खुशबू आ रही थी। ये बहुत ही अट्रैक्टिव और सूथिंग थी। प्रणव अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अकीरा के ड्रेस के अंदर अपना हाथ रखा और उसको रब करने लगा। वो उसके स्मूथ और सॉफ्ट बॉडी को टच कर रहा था। उसे अकीरा को ऐसे पकड़कर अच्छा लग रहा था। ये सब करते हुए अगर अकीरा प्रणव को देख लेती तो वो उसे वही मार देती। लेकिन अकीरा पिक की तरह अच्छे से सो रही थी और प्रणव के डिजायर्स बढ़ रहे थे। प्रणव ने ब्लैंकेट हटाया और बेड से नीचे उतरकर अथर्व और अकीरा को दूर दूर सुलाकर जाने लगा। वो रेस्टरूम में शॉवर लेने गया था। उसने अच्छे से कोल्ड शॉवर लिया और वो फिर रूम में आ गया था। यहाँ अकीरा सपने में थी। उस सपने में वो उस टाइम में थी जब वो 13 साल की थी और उसे किडनैप कर लिया गया था। उसे बहुत बुखार था और तो और वो किडनैपर्स उसकी जान लेने वाले थे, उसको मारना चाहते थे। लेकिन ये सब के बीच में अचानक से कोई आ गया था। वो देख नहीं पा रही थी अच्छे से कि वो कौन है, लेकिन उसको इतना पता चल गया था कि वो एक लड़का है और बहुत ही टॉल और पतला है। उस लड़के ने उसे बचाया और उसे वहाँ से एक सेफ जगह पर लेकर गया और उसे उसने अपने साथ एक केव में रख दिया था। उसने अपने चेस्ट पर अकीरा को सुलाया था और रात को उसके ही साथ था। इन सब के बीच में प्रणव उसे पिग अगले पिग जैसी बातें बोल रहा था, लेकिन अकीरा को ये सब रियलाइज नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोला ये देखने के लिए कि वो दिखता कैसा है। एक बहुत ही हैंडसम फेस उसके सामने आया। उस लड़के ने अकीरा को कहा, तुम जगी हो, तुम ठीक हो ना? तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? समीर कपूर, अकीरा ने अपने लिप्स को लिक किया और उस हैंडसम फेस को देखकर उसकी आंखें खुल गई थी। उसकी बॉडी अट्रैक्टिव और मेसमराइजिंग लग रहा था। उसने अपना मुंह खोला और उसके एक्सप्रेशन भी ऐसे ही थे जैसे वो किसी एरोटिक ड्रीम में थी। उसका एक हाथ अननोइंगली अब प्रणव की वेस्ट पर था और उसकी बॉडी बहुत गर्म थी। अकीरा को गर्म होने का एहसास हुआ और उसने जल्द से अपना हाथ हटा लिया था और उसकी आंखें खोलकर उसने प्रणव को देखा। जैसे ही उसने ऊपर प्रणव की आंखों को देखा, उसने रियलाइज किया कि प्रणव सोया नहीं था। ये सारी चीजें उसके सामने हुई थी। अकीरा को नहीं पता कि प्रणव कब से जागा था, वो कब से अकीरा को ऐसे ऑब्जर्व कर रहा था। उसने जो ड्रीम में किया था, कहीं वो सब उसके एक्सप्रेशंस थोड़े अजीब लग रहे थे। अकीरा समझ नहीं पा रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अकीरा फिर वहां से दूर हो गई और वो बेड से नीचे उतर गई। उसे ऐसे किसी और के साथ अथर्व के अलावा सोने की आदत नहीं थी। अकीरा उससे दूर जाने के लिए बेड से उतरने के चक्कर में वो नोटिस नहीं कर पाई कि वो गिरने वाली है। प्रणव ने अपना हाथ स्ट्रेच किया और अकीरा को अपने पास खींच लिया था। अपने पास खींचकर प्रणव ने उसको बेड पर नीचे पिन करके खुद उसके ऊपर आ गया। प्रणव ने अकीरा को पहले तो कुछ बोला नहीं, बस उसे घूरता रहा और फिर उसने अकीरा का फेस अपनी तरफ किया और उससे बोला, ये समीर कपूर कौन है? ये लड़की मेरे बाजू में सोई है और इस मोमेंट में किसी और लड़के का नाम ले रही है। अकीरा बहुत कंफ्यूज थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कल रात को वो अथर्व के बाजू में सोई थी, उसको अपने पास लेकर वो जब सुबह उठी तो वो क्यों प्रणव के इतने क्लोज थी? प्रणव ने अकीरा को देखा, वो कुछ सोच रही थी। प्रणव ने उसके चिन को पिंच किया और उसका फेस अपनी तरफ टर्न किया। प्रणव ने अपना चेस्ट उसके ऊपर लीन किया और अकीरा इसकी वजह से ब्रेथलेस हो गई थी। इतने टॉल और मस्कुलर इंसान के नीचे कोई भी रेस्टलेस फील करेगा। अकीरा ने इससे बचने के लिए बोला, समीर कपूर वो अपनी बात खत्म करती उससे पहले ही प्रणव ने उसे किस करना चालू कर दिया था।
वो नींद में किसी और लड़के का नाम ले रही थी, मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और प्रणव उसके मुंह से किसी और के बारे में नहीं सुनना चाहता था, और प्रणव उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। अब आगे की कहानी। ये लड़का किसको लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों है? हर बार बिना पूछे अपनी मर्जी से, ना जगह देखता है ना कुछ, बस किस करने लगता है। लेकिन फिर अकीरा को पता चला कि वो उसे किस नहीं कर रहा था, वो उसके लिप्स को बाइट कर रहा था। हर बार की तरह अपने डोमिनेटिंग नेचर का शिकार होकर उसने अकीरा के लिप्स को बहुत बुरी तरह से और फोर्स से बाइट करके उसके लिप्स का बहुत बुरा हाल कर दिया था। उसके लिप्स अब फट रहे थे और उसके लिप्स पर भी मार्क्स बन रहे थे। उसके लिप्स पर खून आने लगा। उसने प्रणव को जोर से धक्का दिया और बोला, तुम पागल हो, मैंने तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, तुम मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। प्रणव ने अपना हाथ अकीरा के होठों पर घुमाए, उसके ब्लड को पोंछते हुए बोला, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ये जरूर लिखा था कि तुम्हें सर्वेंट कोड को मानना पड़ेगा। अकीरा ने प्रणव को शॉक में देखा, उसको ये कोड के बारे में नहीं पता था। क्या कोड? क्या तुम्हें रमेश अंकल ने नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया? कल रात को ही प्रणव ने रमेश अंकल को नया कॉन्ट्रैक्ट अकीरा को देने बोला था। प्रणव ने अकीरा को देखा और उसके होंठ से हाथ हटाकर उसके चिन पर रखा और उसके चिन को ऊपर करते हुए अपने फेस के सामने लाया और फिर धीरे धीरे अपना हाथ अकीरा के कानों पर ले जाने लगा। अकीरा के कान बहुत सेंसिटिव थे। जैसे ही प्रणव ने अपने हाथ उसके कान पर रखे और उसके बाद जब उसके ईयर्स को बाइट किया, तब अकीरा अचानक से हिल गई और पीछे हट गई थी। प्रणव, लिमिट क्रॉस मत करो। उसने अपनी आवाज ऊंची करने की हिम्मत नहीं की। अथर्व उसके बाजू में ही सो रहा था। प्रणव को पता था कि अथर्व के बाजू में वो है तो वो उससे झगड़ा नहीं करेगी, पर प्रणव ने उसकी वार्निंग को इग्नोर किया और उसके कानों को लिक करते हुए बाइट करने लगा। अकीरा ये सब से थोड़ा डिस्टर्ब हो चुकी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे कान इतने सेंसिटिव है, प्रणव ने धीरे से अकीरा के कान में बोला। उसने किस और बाइट करके उसके कान को भी लिप्स की तरह ही कर दिया था। उसके कान पूरे लाल हो चुके थे। पर्सनल सर्वेंट कोड में साफ लिखा है, मास्टर के किस को तुम मना नहीं कर सकती। ऐसा कौन सा कोड होता है? प्रणव अकीरा के साथ गेम खेल रहा था। उस रात प्रणव ने जो उसके साथ किया था, अकीरा उससे बहुत डर गई थी। प्रणव उसके साथ और कुछ नहीं करना चाहता था और वो अकीरा से दूर भी नहीं रह पा रहा था, इसलिए उसने ये आउटकम निकाला था। उसने इसके लिए किस करना सही समझा। उसने पहले कभी किसी लड़की को किस नहीं किया था और उसे लगता था कि किस करना सिर्फ सलावा एक्सचेंज करना है। लेकिन जब से उसने अकीरा को किस किया था, उसे रियलाइज हुआ था कि किस करना उससे बहुत ज्यादा है। और अब ब्रेकफास्ट के बाद रमेश अंकल ने अकीरा को कॉन्ट्रैक्ट लाकर दिया था। तुम रात को घर के बाहर नहीं जा सकती, अगर कोई बड़ी या इम्पोर्टेंट बात होगी तो उसके लिए मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, तुम्हारा किसी मेल स्टफ से पर्सनल रिलेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी और लड़के के साथ तुम इंटीमेट नहीं हो सकती। तुम मास्टर के किस को ना नहीं बोल सकती, जरूरत पड़े तो मास्टर को रोज सुबह किस करना पड़ेगा। ये कुछ रूल्स पढ़कर अकीरा ने बुकलेट को नीचे फेंक दिया, वो ये सब और नहीं पढ़ सकती थी। ये अब क्या हो रहा है? ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ उसे टॉर्चर लग रही थी। जो भी कोड में लिखा था उनमें से कुछ भी अकीरा को वैलिड नहीं लगा, ये सिर्फ इनजस्टिस और पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस था। ये क्या होता है कि तुम मास्टर के किस को मना नहीं कर सकती और उसे सुबह शाम किस करना होगा? अंकल, प्रणव के साथ सच में कुछ तो गलत है। अंकल ने ऑकवर्ड होकर अकीरा को बोला, आप ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है, अगर आप ये सब बातें नहीं मानती है तो मास्टर को आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे कंपनसेशन के नाम पर। आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट क्लॉज था कि अगर मास्टर आपसे बोर हो जाते हैं एक साल के ड्यूरेशन में तो मास्टर आपको बहुत पैसे देंगे। अगर आप ऐसा कुछ करती है तो आपको उन्हें रिटर्न में 10 गुना पैसा रिटर्न करना होगा। अकीरा के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं था।
एक्चुअली मिस्टर प्रणव आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। अगर आप उनके ग्रजेस और प्रेजुडिस को हटाकर सिर्फ उनकी बाकी चीजों पर समझने की कोशिश करें, तो आपको पता चलेगा कि आप जितना सोचती है उतने बुरे नहीं है। रमेश अंकल अकीरा को गैराज में लेकर गए। इतनी सारी लग्जूरियस स्पोर्ट्स कार को देखकर अकीरा चौंक गई थी। उसके आसपास लाइन में कार पार्क थी। अकीरा अपने दिमाग में इनकी कीमत का टोटल करने की कोशिश कर रही थी। उसे एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन सब कार मिलाकर करोड़ों की कार थी। प्रणव अकीरा ने जितना सोचा था उससे भी कई ज्यादा अमीर था। मिस अकीरा, आप इनमें से कोई भी एक कार अपने लिए चूज कर सकती है। मैं आपके लिए एक ड्राइवर का इंतजाम जल्दी कराऊंगा। वो सिर्फ एक पर्सनल सर्वेंट है, और उसके लिए एक कार और ड्राइवर अरेंज करना। ये सब देखकर अकीरा कुछ समझ नहीं पा रही थी और उसके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स थी। प्रणव ने पहले ही सोच लिया था कि वो अकीरा को हर तरीके से अपना बनाकर रहेगा। रमेश अंकल, एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड से बोलकर ऑलरेडी कार बुक करवा ली है। ये जो कार थी उनमें से कोई भी ऐसी कार नहीं थी जो अकीरा के स्टेटस को मैच करे। रमेश अंकल ने अकीरा को फोर्स नहीं किया और उससे बोला, जब तक आपके फ्रेंड कार नहीं ले लेते तब तक के लिए मुझे आपके लिए एक कार और ड्राइवर अरेंज करने दीजिए। अकीरा ने बहुत सोचने के बाद उनसे कहा, ठीक है, थैंक यू। अथर्व को बाय बोलने के बाद अकीरा मेबैच, जो सबसे सस्ती कार थी, उसमें बैठकर ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के लिए निकल गई थी। और अब कौशल विला में रिया को जैसे ही वक्त मिला, वो सुबह सुबह कौशल फैमिली को मिलने उनके घर आ गई थी। बानी ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर अपना मेकअप कर रही थी। बानी, मुझे भाई ने बताया कि तुम्हारा मिसकैरेज होने वाला था, ये सब कैसे हुआ? बानी को जब वो दिन की बात याद आई, वो सब सोचकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। आज भी वो जिस दिन से हॉस्पिटल से घर आई है, उसको पता चला कि उसका बच्चा अब बिल्कुल ठीक है। उसने अपने स्टाफ को भेजा था सहारा होटल में सीसीटीवी सर्विलेंस चेक करने। वो पता लगाना चाहती थी कि वो लड़की कौन है जिसने गौरव को सीड्यूस किया था। पर उसे ये पता चला कि उस दिन कैमरा खराब था और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। इसे संभलने के लिए गौरव ने उसे एक क्रेडिट कार्ड भी दिया था। बानी, मैं किरा से बहुत नफरत करती हूँ, तुम्हें पता है मैं वहाँ कितनी डरी हुई थी। जब से अकीरा रिटर्न आई है वो हमारी जिंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। बानी जो अपनी आईब्रोज बना रही थी वो आधे में ही रुक गई। क्या ये सब करने वाली अकीरा खुद हो सकती है? बानी, वो गंदगी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में जॉब के लिए सिलेक्ट हो गई है और मैं नहीं हो पाई, ये कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। रिया ने जब ये बात बानी से कही, उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो रो देगी। बानी ने चालाकी से कोई ट्रिक सोची और रिया को हंसते हुए कहा, ये तो बस अब इंटर्नशिप है, अगर वो एलिमिनेट हो गई तो मतलब उसका सिलेक्शन ही ना हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। ये सुनकर रिया खुश हो गई। उसने एक्साइटेड होकर बानी को पूछा, तुम्हारे पास कोई प्लान है? अगर अकीरा को एलिमिनेट करवा दिया गया तो मैं रिटर्न आ सकती हूँ। बानी ने रिया के कान में सब बताया। प्लान सुनकर रिया को लगा था कि ये बहुत सक्सेसफुल प्लान है और अकीरा एलिमिनेट हो ही जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन बानी के पापा का है, अकीरा का उधर कोई हक नहीं है। वो कभी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन को अपना बनाने के बारे में भी नहीं सोच सकती थी, वो सिर्फ एक लूजर है बिना पापा की। ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के कॉन्फ्रेंस में रत्ना बाकी लोगों के साथ मीटिंग में बैठी थी और उनसे बातें कर रही थी। आपकी इंटर्नशिप की डेडलाइन एक महीने के लिए होगी। ड्रीम कम ट्रू में 3 एंकर की जरूरत है। डेलिकेसी विंस द वर्ल्ड को 1 एंकर की जरूरत है। बाद में प्रोग्राम के डायरेक्टर आकर सिलेक्ट करेंगे कि उन्हें कौन चाहिए और कौन नहीं। प्रोग्राम के लिए कुछ इमेजिनरी आइडिया और प्रपोजल के बारे में सोचने के लिए आपके पास 30 मिनट है। ये हमें आपके टैलेंट और कैपेबिलिटीज देखने का मौका है। ड्रीम कम ट्रू पिछले साल ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन द्वारा शुरू किया गया था, एक म्यूजिक प्रोग्राम था। अपने पहले सीजन के बाद से रेटिंग लगातार बढ़ रही है। फीमेल एंकर श्वेता मेहरा की पॉपुलैरिटी बहुत हाई थी। ये फेमस होने का एक अच्छा मौका होगा, शायद किसी को एक इंटर्न होस्ट के रूप में चुना जा सकता है।
अगर वो ये प्रोग्राम में अच्छा काम करे और डेडिकेशन के वजह से फेमस हो गए तो शायद अगले साल उनका भी अपना एक अलग शो होगा। और जहां दूसरे प्रोग्राम की बात करें, डेलिकेसी विंस द वर्ल्ड, उसकी रेटिंग कोई खास नहीं थी। अगर उसकी ऐसी ही लो रेटिंग रही तो शायद शो भी बंद हो सकता है। रत्ना के जाने के बाद बानी के एक साइड पर प्राची थी और दूसरी साइड पर आलिया बंसल। वो तीनों ग्रुप में खड़े होकर कुछ डिस्कस कर रहे थे सॉफ्ट वॉइस में। बानी, मैं और प्राची तुम्हारे साइड पर है। तुम जो बोलोगी हम वो करेंगे। सिर्फ हमें ड्रीम कम ट्रू में इंटर्न होस्ट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आलिया ने बानी को बहुत ही ईगर एक्सप्रेशन के साथ कहा था। प्राची ने आलिया की बातों को कंटिन्यू करते हुए कहा, बानी अब आगे हम एक साथ काम करेंगे, प्लीज हम न्यू कमर्स का थोड़ा ध्यान रखना। हर बार यही ट्रिक थी, जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में प्रेजेंट इन्फ्लुएंशियल हो उसका थोड़ा बटरिंग उसके गुड बुक्स में आ जाना चाहिए। ये सबसे बानी अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट और पावरफुल समझ रही थी। उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी। सभी लोग उसे उनसे ज्यादा ऊपर समझ रहे थे। उसने अकीरा को देखा कि वो एक कोने में बैठकर प्रपोजल लिख रही थी। बानी ये देखकर सोच रही थी, अकीरा तो वही वेस्ट और अनवर्थी प्रपोजल का क्या फायदा। यहाँ पर नाम बनाने के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं, कनेक्शन भी बहुत जरूरी होते हैं। और अकीरा को गुरूर है, लेकिन जो बानी के सामने नहीं झुकेगा वो बहुत पछताएगा। अगर वो बानी को इम्प्रेस नहीं करेगी तो आगे जाकर वो बहुत प्रॉब्लम में फंस सकती है। ठीक है, चलो पहले प्रपोजल लिखते हैं। जब रत्ना आएगी तब हम इसे अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करेंगे। बानी ने पहले ही ड्रीम कम ट्रू के डायरेक्टर से बात कर ली थी। वो बानी को ही चूज करेंगे क्योंकि अर्णव कौशल उसके पापा है, ये बात वो जानते थे। और बची अकीरा की बात, बानी उसे कभी भी ड्रीम कम ट्रू जैसे बड़े प्रोजेक्ट में उसके सिलेक्शन होने नहीं देगी। अकीरा ने सिर्फ 15 मिनट में पूरा प्रपोजल लिख लिया था और वो उसे वहीं छोड़कर नीचे वॉशरूम में चली गई थी। जब बानी ने देखा कि अकीरा नीचे जा रही है, उसने प्राची और आलिया को बोला, अगर तुम दोनों को उस प्रोजेक्ट का पार्ट बनना है तो इतना इंश्योर करना होगा कि अकीरा उस प्रोजेक्ट का पार्ट ना बन पाए। प्राची और आलिया ने एक दूसरे को देखा और वो दोनों समझ गई थी कि बानी क्या बोलना चाहती थी। उन दोनों ने अकीरा को वॉशरूम में फॉलो किया। प्राची इतनी बोल्ड नहीं थी, उसने आलिया को पूछा, आलिया हम जो ये सब कर रहे हैं वो सही है ना? आलिया ने प्राची को थोड़ा जोर से कहा, हम यहाँ बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं, यहाँ तक आना कोई आसान काम नहीं है। अगर अब हमने कोई ट्रिक यूज नहीं की तो शायद हम दोनों में से कोई एक वो डेलिकेसी वाले प्रोजेक्ट में चल देगी। उसकी रेटिंग इतनी लो है कि वो शो बंद भी हो सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, कौन ऐसे होस्ट को रखना चाहेगा जो ऐसे प्रोग्राम का पार्ट हो? प्राची को अब लगा कि आलिया सही बोल रही थी, ये गलत नहीं है। फिर आलिया ने कंटिन्यू किया, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बाहर से वॉशरूम को लॉक कर रहे हैं, जो कोई जुर्म नहीं है। प्राची ने अग्री किया और आलिया के साथ जाने लगी। उन दोनों ने वॉशरूम से जब अकीरा बाहर आई उससे पहले ही डोर लॉक कर दिया था और उसके बाहर अंडर मेंटेनेंस का बोर्ड लगा दिया था। अकीरा क्यूबिकल से बाहर आई और उसने अपने हाथ धोने के बाद वॉशरूम का डोर खोलने की कोशिश की। डोर ओपन नहीं हो रहा था। उसे थोड़ा ट्विस्ट एंड टर्न करने की भी सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश की और फिर उसने रियलाइज किया कि किसी ने बाहर से डोर लॉक कर दिया है। उसको पता था कि ये किसी ने पर्पसली किया है। यहाँ काम पर फोन अलाउड नहीं होते हैं। अकीरा के पास अपना फोन भी नहीं था तो वो किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। हाइपर होने की बजाय अकीरा एकदम कूल और काम होकर दरवाजे के अपोजिट लीन होकर खड़ी हो गई थी। और अब कॉन्फ्रेंस रूम में एंथनी जॉर्ज ड्रीम कम ट्रू के डायरेक्टर और कनन बसु डेलिकेसी विंस द वर्ल्ड के डायरेक्टर साथ में अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में आए थे। एंथनी जॉर्ज ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के सबसे फेमस डायरेक्टर थे। वो कहीं भी जाए उनके साथ कुछ असिस्टेंट होते ही थे। कनन बसु के साथ पूरा उल्टा था। हर कोई जानता था कि उनके शो की रेटिंग एंथनी के शो की रेटिंग से कम है और उनके शो की वजह से ही कम है। पूरे स्टेशन में ये बात हर कोई कर रहा था कि अगर
इसकी रेटिंग नहीं सुधरी तो स्टेशन ये शो बंद करवा देगा। बानी, प्राची और आलिया ने एंथनी को बहुत अच्छे से हंसते हुए वेलकम किया, लेकिन जब कनन की बात आई तो उन लोगों से उसने सिर्फ हल्की सी स्माइल दी। कनन को खुद फर्क फील हो रहा था, लोग एंथनी और उसमें फर्क कर रहे थे। उसकी इतनी लो वैल्यू है कि न्यू कमर्स भी उसे ढंग से रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। ये देखकर एंथनी को अच्छा लग रहा था कि तीन इंटर्न्स कनन से ज्यादा और रिस्पेक्ट कर रहे थे। दोनों ने एक ही जगह से अपनी पढ़ाई खत्म की थी, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग अकेडमी से। पहले जब वो अकेडमी में थे तब कनन उससे ज्यादा स्मार्ट और इम्प्रेसिव था, लेकिन उस टाइम पर एंथनी ने अपने कनेक्शंस बिल्ड किए और अपने कॉन्टैक्ट्स को स्ट्रॉन्ग किया। अल्टीमेटली वो उन सारे लोगों को जानता था जिसके लिए कनन काम करने लगा, और ये सब की वजह से उसकी आज इतनी हाई रिस्पेक्ट थी। अब ऐसा टाइम था कि वो सबसे पावरफुल डायरेक्टर था और कनन के ऊपर डर था कि वो अपनी जॉब लूज ना कर दे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके अपोजिट जो था उसका स्टेटस इतना लो हो गया है। एंथनी कनन के पास गया और उसके शोल्डर को पैट करते हुए बोला, तुम्हें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, ये सारे इंटर्न्स मेरे ही शो में आना चाहेंगे, तुम्हारा शो कोई नहीं चूज करेगा। उसने ये बात ऐसे बोली थी जैसे उसे कनन के लिए बहुत दुख हो रहा था। लेकिन मुझे सिर्फ तीन होस्ट ही चाहिए, फिर एंथनी ने स्माइल करते हुए कंटिन्यू किया, लेकिन जब मैं तीन इंटर्न्स को चूज कर लूं, उसके बाद जो बचेगा तुम उसे अपने लिए यूज कर लेना। कनन को ये बात बुरी लगी और उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। जब से एंथनी का शो वायरल हुआ है तब से वो जब मौका मिलता है तब उसे नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करता है, वो हर बार उसे टॉन्ट मार कर एंजॉय करता है। एक साल पहले एंथनी ने कनन का प्रपोजल चुरा लिया था, वो टाइम पर उसका शो डूबने वाला था, लेकिन कनन के प्रपोजल की वजह से उसका शो आज इतना पॉपुलर है। ये जब हुआ था उस टाइम पर कनन ने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, वो अब ठीक है लेकिन उसका करियर अभी भी लो है, ये उसका लास्ट चांस था। कनन ने वहाँ खड़े तीन लड़कियों को देखा और वो तीनों सिर्फ एंथनी को ही देख रही थी। अब कनन को लग रहा था कि एंथनी सच बोल रहा है और सब उसके साथ ही काम करना चाहेंगे उसके प्रोजेक्ट में। बानी, प्राची और आलिया ने अपना अपना प्रपोजल एक एक करके उन दोनों को सबमिट किया था। एंथनी ने देखा कि वो तीनों का प्रपोजल कुछ खास नहीं था, नॉर्मल था। उसे अब चौथे प्रपोजल का इंतजार था, तब उसे रियलाइज हुआ कि चौथी लड़की रूम में नहीं है। आलिया ने देखा कि एंथनी कुछ कंफ्यूज था, वो तुरंत खड़ी हो गई और उसने एक्सप्लेन किया, जब हमें रत्ना ने आप लोगों को यहाँ वेट करने बोला था तभी अकीरा जो चौथी इंटर्न थी रत्ना के पीछे पीछे यहाँ से चली गई, शायद उसे आपके शो में इंटरेस्ट नहीं है। बानी, प्राची और मैंने बहुत सीरियसली आपके शो के लिए प्रपोजल प्रिपेयर किया है, जब उसे पता चला कि आपके शो में श्वेता मेहरा है तो वो उसको ओवरशैडो करना चाहती थी, लेकिन वो श्वेता को ओवरशैडो नहीं कर। एंथनी ने टेबल पर जोर से टैप किया और उसे गुस्सा आ गया था, उसे श्वेता मेहरा को ओवरशैडो करना है, वो अभी तक ढंग से कंपनी में आई भी नहीं है और वो ये सब सोच रही है, बहुत एम्बिशियस होगी वो। एंथनी ने प्राची, बानी और आलिया को चूज किया और उसे अकीरा को रिजेक्ट करके कनन के लिए छोड़ दिया, और उसने ये ठान लिया था कि वो अकीरा को आगे भी कभी अपने शो में चांस नहीं देगा। कनन का शो जल्द ही बंद होने वाला था, वो बड़े ब्रांड्स को स्पॉन्सर करने के लिए अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। प्राची, बानी और आलिया रूम से चले गए और अब एंथनी भी वहाँ से जाने के लिए निकल रहा था, तब उसने कनन को देखा और उसे हंसकर बोलने लगा, कनन देखो ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें पता है ना मुझे ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस लोग नहीं पसंद जो खुद के पास थोड़ा टैलेंट है कहकर खुद को सबसे बेस्ट समझने लगते हैं। शायद तुम और वो एक अच्छा मैच हो, तुम दोनों के बिहेवियर में है ही खुद को बिना बात के सुपीरियर मानना। एंथनी अपनी बात खत्म करता उससे पहले एक प्लेजेंट और रिफ्रेशिंग आवाज उससे आई, मुझे माफ करना मैं लेट हो गई। अकीरा ने सर नीचे करके माफी मांगी इससे पहले कि वो दोनों उसे आंखें मिलाते। एंथनी की आंखें खुली की खुली रह गई थी जब उसने अकीरा को देखा।
वो उन तीनों से ज्यादा अच्छी थी। उनके अपीयरेंस में और इसके अपीयरेंस में बहुत फर्क था। एंथोनी ने सोचा कि अकीरा सिर्फ देखने में सुंदर होगी, बाकी वो एकदम यूजलेस है। उसकी ब्यूटी ही उसका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, उसका काम नहीं। वो अपने आप में ही बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव थी और उन दोनों की वजह से लेट थी। उसे श्वेता मेहरा की जगह लेनी थी, ये उसको देखकर ही लग रहा था। ऐसा कोई भी उठकर उसकी जगह ले लेगा क्या? एंथोनी ने अपने हाथ से अकीरा को दूर जाने का इशारा किया और बोला, मैं ऑलरेडी अपने लिए 3 इंटर्न्स होस्ट को चूज कर चुका हूँ। मुझे प्रपोजल देखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अकीरा ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन आने से पहले सब रिसर्च करके आई थी और उसे पता था कि जो आदमी उसके सामने खड़ा है वो ड्रीम कम ट्रू का डायरेक्टर है। उसने बहुत ही पोलाइटली उससे कहा, ठीक है मिस्टर एंथोनी। बस इतने में ही बात खत्म हो गई थी। एंथोनी ये देखकर थोड़ा चौंक गया था कि अकीरा को रिजेक्ट होने का कोई गम नहीं था। वो उसके सामने रो नहीं रही थी, ना ही उसके सामने बैग कर रही थी एक मौके के लिए। तुम्हें अपनी जगह अच्छे से पता है, तुम्हारे पास अब सबसे अच्छी चीज नहीं है। शायद जो बचा है वो तुम्हारे कुछ काम आ जाए। तुम्हें सबसे बेस्ट नहीं मिला तो तुमने एक कदम पीछे लेकर अच्छा काम किया। एंथोनी को उस अकीरा के ऊपर दया आ रही थी। उसने दया भावना वाले एक्सप्रेशन बनाए। तुम्हें यहाँ टैलेंट की बहुत जरूरत है। ब्यूटीफुल चेहरा होने से तुम कोई फेमस नहीं हो जाओगी। ये चेहरा तुम्हें टैलेंट और काम नहीं दिलवाएगा। अब तुम तो ये छोटा वाला शो होस्ट करने वाली हो, अब इस प्रोग्राम में इंटर्न कर रही हो तो शायद ही तुम्हें कोई सपोर्ट करेगा। लो रेटिंग वाले शो की होस्ट कौन ही पसंद करेगा। अकीरा ने एंथोनी की ये सारी बातें सुनी और उसे एक स्माइल दी और अपना पोस्चर ठीक करते हुए वो आगे कनक की तरफ बढ़ी। अकीरा ने उसे एक अच्छी स्माइल देकर अपना प्रपोजल पास किया और पोलाइटली बोला, हेलो, मैंने आपके शो देखे हैं। मुझे लगता है आप एक बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर है। मुझे उम्मीद है मैं इस इंटर्नशिप में आपसे बहुत कुछ सीख पाऊंगी। वो दोनों चौंक गए थे, खासकर एंथोनी। अकीरा की बातें उसके मुंह पर एक थप्पड़ की तरह थी। एंथोनी ने अकीरा को एटीट्यूड में बोला, अब जो तुम्हें पता है कि तुम मेरे शो में नहीं आ सकती, तुम इस लूजर डायरेक्टर के पास जा रही हो। जाओ जाओ, तुम भी उसी की तरह एक लूजर बनकर रह जाओगी। अब रूम में सिर्फ अकीरा और कनन ही थे। उसने अकीरा का प्रपोजल पढ़ा और उस प्रपोजल को पढ़कर वो शॉक्ड भी था और बहुत खुश भी। उसने जब अकीरा का प्रपोजल पढ़ा तो उसे लगा ये उसका शो डेलिकेसी विंस द वर्ल्ड के लिए नहीं था। जैसे एंथोनी ने बोलकर गया था वैसा बिल्कुल नहीं था। अकीरा बिल्कुल यूजलेस नहीं थी। अकीरा, तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए। तुम जो बोलती हो वो सोचकर बोला करो। अभी अभी तुमने जो एंथोनी को बोला है, तुम्हें नहीं लगता कि वो गलत था? वो यहाँ सबसे फेमस है, उसे ऑफेंड करना मतलब बड़ा रिस्क है। वो तुम्हें पता नहीं कब सजा देगा। बानी सिर्फ ट्रिक्स ही सोच रही थी कि वो एंथोनी को कैसे अपने साइड करे। वो बात अलग है कि अकीरा ने उसे उल्टी बात बोलकर बानी का काम आसान कर दिया था, लेकिन एंथोनी के वर्ड्स भी तो गलत थे। उसने अकीरा को कितना अंडर एस्टिमेट किया और अनडिजर्विंग बातें भी बोली थी। अकीरा ने हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं अब डायरेक्टर कनन के साथ काम कर रही हूँ। ये सुनकर वो थोड़ा सरप्राइज था। तुमने एंथोनी के प्रोजेक्ट में जाने के बारे में नहीं सोचा था? नहीं, अकीरा ने हल्की सी स्माइल देते हुए कहा। अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे आपका शो पसंद है। शायद कंपनी आपके शो पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है, इसकी वजह से ही आप इतने फेमस गेस्ट को इन्वाइट नहीं कर सकते जैसे वो बुलाते हैं। शो की फीमेल होस्ट पाकी सेन वो एक अच्छी फूड शो होस्ट नहीं है। वो हर एपिसोड में भर भर के मेकअप लगाती है और तो और वो बहुत ज्यादा ही रिवीलिंग ड्रेस पहनती है। वो खाने से ज्यादा स्पॉटलाइट खुद पर रखती है और गेस्ट को इररिलेवेंट तरीके से अट्रैक्ट करती है। डायरेक्टर को शो की वीकनेस पता थी, लेकिन शो के स्पॉन्सर और पाकी के फाइनेंसर एक ही इंसान है। वो हमेशा अपनी मन की करती है। उसे पहले भी बहुत बार वॉर्न किया गया था। मैं तुम्हें पहले तुम्हारे कलीग से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ठीक है। उनके शो का ऑफिस एंथोनी के ऑफिस से बहुत छोटा था,
और उसमें एक ही एसी था जो हमेशा बाकी यूज करती थी। उनके डायरेक्टर खुद बाकी स्टाफ की तरह बाहर डेस्क पर बैठकर काम करते थे। अकीरा सब लोगों से मिली और उसने पूरा ऑफिस देख लिया। उसके बाद अकीरा को एक टेबल मिला जो एक गोल शक्ल वाली लड़की के बाजू में था। उस लड़की ने अकीरा को कहा, हेलो अकीरा, मैं मिस्टर कनन की असिस्टेंट स्वीटी हूँ। वो एक्चुअली मेरे अंकल है। मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद मैं यहाँ उनके साथ अपने करियर की शुरुआत करने आई थी। स्वीटी को लगा नहीं था कि अकीरा इतनी काम और अप्रोचेबल होगी। उसे लगा वो बाकी सुंदर लड़कियों की तरह एटीट्यूड से भरी हुई होगी। वो पाखी से बहुत ज्यादा अच्छी थी। अकीरा को जब पूरे डिपार्टमेंट और उसके फंक्शनिंग के बारे में पता चला तो उसे लगा उसने जैसा सोचा था यहाँ उससे भी ज्यादा बुरी हालत है। ब्रॉडकास्टिंग कंपनी में स्पॉन्सर्स की मीटिंग थी अगले फ्राइडे को, और अगर डेलिकेसी विंस द वर्ल्ड कोई बड़े स्पॉन्सर को अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो उन्हें रात का स्पॉट दे देंगे और फिर शायद शो ही बंद कर दे। यहाँ पर सिर्फ टेंशन ही टेंशन थी। सबको डायरेक्टर से ऑर्डर आया था कि वो शो को इम्प्रूव करने के लिए एक और स्पॉन्सर को अट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरा प्रपोजल बनाए। अकीरा बहुत बिजी थी। सबसे अच्छी बात ये थी कि प्रणव भी आजकल बिजी था, तो उसने अकीरा को कुछ खास परेशान नहीं किया था। उसने अकीरा से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करवाया था, लेकिन उसे फोर्स तो किया था उसे अपना पर्सनल सर्वेंट बनाने के लिए। इन दिनों उसने अकीरा को आकर सुबह शाम कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग किस करने भी नहीं बोला था। आज अकीरा ने अपने दोनों प्रपोजल को लिखकर सबमिट कर दिया था। डायरेक्टर ने पूरे प्रपोजल पढ़े और अकीरा का प्रपोजल पढ़कर उसने सबके सामने खड़े होकर ताली बजाई और उसे बोलने लगा, अकीरा तुम्हारा प्रपोजल बहुत अच्छा है, मैं इसी की बात कर रहा था, मुझे ऐसा ही प्रपोजल चाहिए था। सब लोगों का ध्यान अब सिर्फ अकीरा पर था। सब अपना काम छोड़कर उसे देख रहे थे। बाकी रोज काम पर लेट आती थी और उसने जैसे ही कनन को ये सब अकीरा की तारीफ में बोलते हुए सुना उसे गुस्सा आने लगा था। उसने भी अपने दोनों प्रपोजल सबमिट किए थे और उसे उसमें मॉडिफिकेशन करने बोला गया था। उसका प्रपोजल कुछ खास नहीं था। उसने इसको सिर्फ डायरेक्टर की नफरत समझा और सोचने लगी कि उसे कभी उसके टैलेंट की कदर ही नहीं थी और उसने उसे कभी अप्रिशिएट नहीं किया तो आज क्यों करेगा। बाकी की आंखों में भी अभी यही था, अकीरा सिर्फ एक प्रिटी लड़की है, बाकी वो यूजलेस है। बाकी ने अंदर जाकर सबका ध्यान अपनी तरफ किया और बोला, डायरेक्टर सर, आप उसके लुक्स पे उसके प्रपोजल को जज मत करो। आपको पता है ना, आपको मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने अर्निंग के लिए। ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो डायरेक्टर था और उसे इतने लोगों के सामने वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। बाकी की बात सच थी, ये शो के लिए सिर्फ उसने ही स्पॉन्सर लाए थे और ये शो सिर्फ उसकी वजह से ही चल रहा था। लास्ट टाइम भी स्पॉन्सर मीट में कोई खास स्पॉन्सर नहीं मिल पा रहा था। अगर बाकी के स्पॉन्सर ने ब्रेकआउट कर लिया तो शायद शो। बाकी, ये बात सही है कि लास्ट टाइम तुमने हमारे लिए स्पॉन्सर अरेंज किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ सब अपने अपने हिसाब से अपना बेस्ट दे रहे हैं और अगर तुम्हें हमारे काम में इतनी ही प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से ट्रांसफर ले सकती हो और दूसरी टीम में जा सकती हो। मोस्टली वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अब बाकी ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी और वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझ रही थी। बाकी को यहाँ इसलिए ट्रांसफर किया गया था क्योंकि किसी को भी उसके साथ काम नहीं करना था। उसका ऑलरेडी बहुत बार ट्रांसफर हो चुका है। उस शो की रेटिंग लो थी, लेकिन बाकी शो में लीड है तो वो अपनी मनमानी कर सकती है और सबको मजबूरी में उसकी बात माननी ही पड़ेगी और उसका काम करना ही पड़ेगा। उसे अच्छा लगता है जब लोग उसके आसपास घूमते रहते हैं और लोगों को उसकी जरूरत पड़ती है। डायरेक्टर सर, मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि आप आराम कर सकते हैं और मैं आपको फ्राइडे की स्पॉन्सर मीटिंग में बुलाकर बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। इतना बोलकर पाखी बहुत ही एटीट्यूड में अपने बालों को फ्लिप करके अपने केबिन में चली गई थी। स्वीटी पाखी के पीछे ही खड़ी थी और वो अपना मुंह बंद नहीं कर पाई और उसने अकीरा को बोला, मैंने आज तक ऐसी बेशर्म लड़की नहीं देखी है। वो खुद को इतना महान क्यों समझती है? वो कुछ नहीं है, उसके पास सिर्फ अपने पैसे की पावर है।
बाकी के लिए जब उसने ये सारी बातें सुनी तब उसके दिमाग में सिर्फ प्रणव का ख्याल आया। अकीरा, तुम बाकी की बातों पर ध्यान मत दो। अगर सर ने बोला है कि तुम्हारा प्रपोजल अच्छा है तो मतलब अच्छा है। अगर स्पॉन्सर्स मीटिंग में तुम्हारा प्रपोजल किसी को पसंद आया तो शायद हमें उसके फाइनेंसर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे उसके फाइनेंसर ने हमें कोई बड़ा अमाउंट नहीं दिया है, पर वो कुछ नहीं से कुछ सही तो है। स्वीटी ने बहुत सैड फेस बना लिया था और बहुत ही लो आवाज में कहा, पता नहीं इस बार सर को क्या हो गया है, उनके साथ ये साल कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हर जगह सिर्फ लॉस ही लॉस हो रहा है। अकीरा ने स्वीटी को थोड़ा दिलासा देते हुए और हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, सर को उनकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, उन्होंने इतना टाइम और डेडिकेशन दिया है इस प्रोजेक्ट को। लंच के समय कैफेटेरिया में अकीरा स्वीटी के साथ कैफेटेरिया गई थी। बाकी प्राची और आलिया सब एक साथ वही हंसी मजाक कर रहे थे। आज अर्नब सर के वाइफ का बर्थडे है और वो यहाँ के सबसे बड़े होटल में पार्टी दे रहे हैं और बानी ने ड्रीम कम ट्रू के पूरे स्टाफ को बुलाया है। आलिया खुशी से पागल हो रही थी, उसने अपना इनविटेशन कार्ड निकाला और वो उसे फ्लॉन्ट करने लगी थी। बाकी को ये सब देखकर बहुत जलन हो रही थी, उसने फिर बाकी लोगों को कहा, बानी और तुम एक टीम में हो, कितनी अच्छी बात है तुम सब एक साथ हो। मेरे टीम में तो कौशल सरने वाली लड़की है, लेकिन उसके पास अच्छी शक्ल के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे नसीब अच्छे हैं कि मेरा सरनेम कौशल नहीं है, क्योंकि बानी के पास तो सब कुछ है, पैसा, पावर और एक हैंडसम फियांसे भी। इतनी अमीर लड़की से खुद का कंपैरिजन हो, उससे अच्छा है सरनेम सेम ही ना हो। बाकी ने अकीरा को स्वीटी को सुनाने के लिए अपनी आवाज बदल ली थी। स्वीटी ने गुस्से में अकीरा को बोला, ये पाखी जानबूझकर हमें सुना रही है, अमीर को ऊंचा और उसे कम वाली को नीचा दिखा रही है ये। तुमने तो उसे कुछ किया भी नहीं है, फिर भी वो इतना बोल रही है तुम्हें। स्वीटी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी जाकर पाखी से झगड़ा कर लेगी। अकीरा ने उसे पीछे खींचा और उसको प्यार से बोला, अगर तुम्हें रास्ते पर किसी कुत्ते ने काटा तो तुम उसे रिटर्न में काटोगी क्या? पाखी अकीरा को घूरने लगी, तुमने कुत्ता किसको बोला? जो अभी अभी इतनी फालतू बातें कर रहा था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अकीरा ने इतना बोलकर अपने बालों को फ्लिप किया और एटीट्यूड में स्माइल करने लगी। बाकी अकीरा से झगड़ा करना चाहती थी, लेकिन जब उसने अकीरा को देखा कि वो इतने आराम से रिप्लाई कर रही है तो वो भी थोड़ा शांत हो गई थी। उसने जब अकीरा को देखा तो उसने नोटिस किया कि अकीरा एकदम शांत थी, वो उसकी बकवास पर रिएक्ट नहीं कर रही थी। अकीरा, तुम मेरी दोस्त को बुली कर रही हो, बीच में अचानक से एक सॉफ्ट आवाज में किसी ने बोला। पाखी ने बानी को देखा और वो बानी के पास रोते हुए मुंह लेकर चली गई थी। पहले वो दोनों साथ में एक ड्रामा कंपनी के लिए काम कर चुके हैं, तो वो एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और वो अच्छे दोस्त भी थे। बानी ने अपने बैग में से एक इनविटेशन निकाला और पाखी को दिया। पाखी, ये इनविटेशन तुम्हारे लिए। बानी, सच में तुम मुझे भी इनवाइट कर रही हो? अगर तुम मुझे नहीं बुलाती तो शायद मैं इतने बड़े हाई क्लास जगह पर कभी नहीं जा सकती। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। बानी को ये सब सुनकर बहुत प्राउड फील हो रहा था और वो अकीरा को नीचे दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अकीरा को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो स्वीटी के साथ शांति से बैठकर खाना खा रही थी। बानी अकीरा के पास जाने लगी। उसकी हील्स की आवाज से अकीरा को पता चल गया था कि बानी उसके पास आ रही है। आज मेरी मॉम का बर्थडे है, शायद तुम्हारी भी, तुम आकर देखना चाहोगी मेरी मॉम को मेरे डैड क्या गिफ्ट देते हैं और उन्हें कितना प्यार करते हैं। बानी ने अकीरा को फेंक कर एक कार्ड दिया और हंसने लगी। जब से अर्नब ने अमृता से शादी की है, वो सिर्फ उसका ही बर्थडे याद रखता है और उसी को सेलिब्रेट करता है। उसे अकीरा का बर्थडे तक याद नहीं रहता था। जब से अर्नब की अमृता से शादी हुई थी, तब से अकीरा के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट कम हो गई थी और अब मानो खत्म ही हो गई थी। उसने कभी अकीरा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था और पहले जब वो 18 साल की थी तब पहली बार उसने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था, जो कि एक ट्रिक थी। अकीरा को ड्रग देकर गौरव की जिंदगी से बाहर निकालने की और बेहुदा साबित करने की।
अकीरा की आंखों में आंसू भर गए थे और उसको अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था जब उसने अर्नब और अमृता की बातों को याद किया जो उसने 4 साल पहले गलती से सुन ली थी। अकीरा ने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने इमोशंस को थोड़ा काबू में किया और फिर बानी ने उसे जो इनविटेशन दिया था उसने उसे गुस्से में टेबल से उठाकर टुकड़ों में करके बानी के ऊपर फेंकने की जरूरत की। अब मुझे ऐसे बिना बात के प्रोवोक मत करो, अगर मैंने अपना टेम्पर खो दिया तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अकीरा ने अपने इमोशंस और फीलिंग को दिखने नहीं दिया और कंटिन्यू किया, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है मुझसे लड़ने की और अगर तुम मुझे चैलेंज करना चाहती हो तो ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स मत करो। अकीरा ने बानी को ऊपर से नीचे तक देखा जो बहुत एरोगेंट लग रही थी। अकीरा बहुत ही ब्यूटीफुल और फ्लॉलेस थी। अकीरा बचपन से ही अमेजिंग रही है। बानी को अकीरा के इतने पास होकर अब उसे और भी जलन हो रही थी। बानी के इतना कुछ करने के बाद भी अकीरा एकदम शांत और कूल थी। अकीरा नीचे बानी के कान के पास गई और हंसने लगी। हंसने के बाद अकीरा ने उसके कान में धीरे से बोला, बानी तुम इतनी हिम्मत कहाँ से ला रही हो? हर बार मुझे प्रोवोक करने का मौका ढूंढ के मुझे परेशान करती हो और फिर भी मुझसे ही हार जाती हो। अब तुम तो गौरव के बच्चे की माँ बनने वाली हो फिर भी सुधरी नहीं। अगर तुम ये सब करती रही तो मैं तुम्हारे पापा जिन्होंने कभी तुम्हें बेटी का दर्जा नहीं दिया है उन्हें अपनी तरफ कर लूंगी और तुम्हारे फियांसे गौरव को भी आराम से अट्रैक्ट कर सकती हूँ। ये सब सुनकर बानी के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए थे। गौरव अब तक अकीरा को भूला नहीं था। 3-4 साल हो चुके थे लेकिन अब तक वो अकीरा को पसंद करता था और अगर अकीरा उसे अट्रैक्ट करने लगी तो। बानी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना गुस्सा छुपाने की कोशिश की और अकीरा को देख कर कहा, अकीरा क्यों ना हम एक बेट लगाए। बानी ने जब अकीरा को ये पूछा उसने अपने आप को बड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए थोड़ा चिल्ला कर ये बोला। अकीरा एकदम शांति से नीचे चेयर पर बैठकर पानी पी रही थी। पानी पीकर उसने बानी को पूछा, क्या बेट? अकीरा की बात करने के तरीके से ऐसा लग रहा था कि वो बानी को कॉम्पिटिशन नहीं समझती थी और उसे आराम से हरा देगी। बानी को अकीरा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और अकीरा को बोला, अगर हम अपने शो की रेटिंग कंपेयर करें तो जिस शो में तुम इंटर्न कर रही हो अगर उससे ज्यादा हुई तो मैं ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से रिजाइन कर दूंगी और अगर उल्टा हुआ तो तुम्हें रिजाइन करना होगा। वहाँ खड़े बाकी लोग ये सुनकर शॉक हो गए थे। ये तो कोई मुश्किल डिसीजन नहीं था, बानी ही जीतने वाली थी। प्राची आलिया और पाखी को भी यही लग रहा था कि इन दोनों का कोई कंपटीशन नहीं है। सबको पता था कि बानी जिस शो में काम कर रही थी वो टॉप का शो था और ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में बेस्ट भी। और दूसरी तरफ अकीरा जो शो में थी उसे तो लो से भी लो रेटिंग मिली थी और उसके पास स्पॉन्सर इस न्यू सीजन के लिए होगा या नहीं ये बात भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं थी। स्वीटी टेबल पर बैठकर नूडल्स खा रही थी। उसने उसे फेंक कर और जोर से टेबल पर अपना हाथ मार कर खड़ी हो गई थी। वो गुस्से में बानी पर चिल्लाने लगी, तुम्हें नहीं लगता अब तुम कुछ ज्यादा ही कर रही हो? तुम उसे बुली क्यों कर रही हो इतना? बानी ने खांसते हुए स्वीटी को बोला, तुम उस डायरेक्टर बासु की असिस्टेंट हो ना, क्या हुआ तुम्हें? तुम अपने ही शो को लेकर इतना कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारा शो चल पाएगा? अब तक तो टेलीकास्ट भी नहीं हुआ है फिर भी इतना कॉन्फिडेंस। आलिया ने बीच में आकर बोला, बानी तुम्हें तो पता है ना इनके शो का पिछला सीजन सबसे बड़ा फ्लॉप था, अब उसके बाद इनका कॉन्फिडेंस तो होगा ही ना। प्राची ने कंटिन्यू किया, बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, अगर ये हमारे शो से कंपेयर करेंगे तो शायद अपनी ही हार को बुलावा दे रहे हैं। सार्कास्टिक कमेंट देने में ये तीनों ही माहिर थी। पाखी वहाँ कोने में चुप खड़ी थी। वो खुद उस शो की होस्ट है लेकिन उसे खुद को अपने शो से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसे पता है कि उसका शो बहुत ही लो रेटिंग से हारने वाला था। डेलिकेसी विंस द वर्ल्ड का ड्रीम कम ट्रू के साथ कंपैरिजन ही नहीं है। प्राची ने अकीरा को देखा और उसके एक्सप्रेशन समझने की कोशिश की। अकीरा तुम ये सब चक्कर में मत पड़ो, ऐसे कॉम्पिटिशन का कोई फायदा नहीं है। अकीरा ने कॉन्फिडेंस और चार्म के साथ बानी को कहा, ठीक है
मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। बानी तो कब से मौका ढूंढ रही थी अकीरा को यहाँ से निकालने के लिए, और ये मौका अकीरा भी नहीं देना चाहती थी। उन दोनों को एक साथ काम नहीं करना था। अब उनकी डील हो चुकी थी। वहाँ खड़े लोगों को अकीरा की बात सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था कि अकीरा ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा था कि जैसे किसी छोटे से पॉन्ड में पत्थर फेंक दिया हो और उस पत्थर ने वहाँ कोई बड़ा भवंडर खड़ा कर दिया हो। डेलिकेसी विंस द वर्ल्ड को ड्रीम कम ट्रू से ज्यादा रेटिंग मिलेगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। ऐसा होने ही वाला था, ये बिल्कुल नामुमकिन है। अकीरा तुम पागल हो गई हो, इतना बड़ा फ्लॉप शो, ऐसे तुम्हारे शो ज्वाइन कर लेने से अचानक से ज्यादा रेटिंग नहीं पा सकते। आलिया ने अकीरा को सीधे मुंह पर टॉन्ट किया। हाँ सही, तुम सच बोल रही हो। इसे खुद को कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, फिर चैलेंज करने की हिम्मत करना चाहिए। वो इसके लिए इतना जोश में थी क्योंकि एंथोनी ने उसे सिलेक्ट नहीं किया था। अगर ऐसा हो और उसके दिमाग सही तरीके से नहीं चल रहा हो तो उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। अकीरा इस शो में इंटर्न बनकर बानी वाले शो को हराना चाहती थी, ये बहुत ही अनरियल है। जिस शो के पास में स्पॉन्सर नहीं है वो शो कैसे टॉप शो के साथ कम्पीट करेगा? अकीरा दिन में सपने देख रही है। अगर उसने सपने ही देखने हैं तो उसे घर चले जाना चाहिए। जो वो सोच रही है वैसा नहीं होने वाला था। बानी को अकीरा को बदनाम करने का एक मौका चाहिए था और अकीरा को बानी से जीतने का। अब इस चैलेंज का रिग्रेट न बानी को था और न ही अकीरा को। वो दोनों सबसे सामने बेट लगा चुके थे। मैंने ये सब ऐसे ही बोल दिया था। अकीरा तुम्हें अपना दिमाग यूज करना चाहिए। यहाँ खड़े सभी लोग जानते हैं कि तुम्हारे शो से ज्यादा रेटिंग नहीं पा सकते। थोड़ा दिमाग और समझदारी से काम करो। यहाँ पर तुम नई हो और नई चीजें सीखो और उसे समझो। ऐसे पागलों की तरह काम मत करो। अकीरा ने बानी को देखा। बानी बहुत ही स्मार्ट और अंडरस्टैंडिंग बन रही थी। अकीरा ने बानी को बहुत ही नॉर्मली तरीके से कहा, मैंने जो भी बोला है वो ऐसे ही मजाक में नहीं बोला है। मैं वो सारी चीजें करके बताऊंगी और मैं अपने चैलेंज को वापस नहीं लेने वाली। बानी को अच्छे से पता था कि वो अकीरा को आराम से हरा देगी। अकीरा के जीतने का कोई चांस ही नहीं था और न ही बानी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन छोड़ने वाली थी। अकीरा अलग थी लेकिन ये शो ऊपर से लेकर नीचे तक बेकार था। अकीरा में ऐसा कौन सा स्पेशल टैलेंट है कि वो इस बकवास शो को फेमस बना देगी? जब वो दोनों कैफेटेरिया से रिटर्न ऑफिस में जा रहे थे तब स्वीटी अकीरा को कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। स्वीटी के एक्सपेक्टेशन से अकीरा समझ गई थी कि वो क्या बोलना चाहती है। तुम्हें यही लगता है ना कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ? सच बोला ना? स्वीटी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हम उनसे जीत जाएंगे ऐसा कोई चांस ही नहीं है। अकीरा ने अपने एक्सप्रेशन सीरियस कर लिए थे और स्वीटी को धीरे से बोला, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक सीक्रेट वेपन है। मुझे भी बताओ ना। क्या वेपन? मुझे भी बताओ ना, कौन सा वेपन है तुम्हारे पास? वो एक सीक्रेट है। आज अकीरा का बर्थडे है। काम के बाद अकीरा अपने ऑफिस से घर जाए उससे पहले ही उसे स्वीटी और डायरेक्टर बासु ने बर्थडे विश किया और वो उसके साथ डिनर पर जाना चाहते थे, लेकिन अकीरा अपने बर्थडे पर अथर्व के साथ रहना चाहती थी। उसे अथर्व ने बर्थडे पर विश नहीं किया था लेकिन वो अकेला नहीं था। उसकी मॉम ने उसे दो दिन पहले ही एक बर्थडे कार्ड भेजा था और उसके साथ उसके दो बेस्ट फ्रेंड तन्वी और प्रिया भी तो है ना। इन सब में उसके पास सबसे अच्छी चीज उसका बेटा अथर्व था। अकीरा पहली बार काम करके टाइम पर घर के लिए निकल रही थी। वो लिफ्ट में गई तब उसके साथ लिफ्ट में सब कलीग्स थे। सब लड़कों ने फॉर्मल सूट पहना था और लड़कियां इवनिंग गाउन में थी। मिसेस कौशल कितनी लकी है ना, उनके लिए इतना बड़ा और सबसे बेस्ट होटल बुक करके पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया है। मैंने सुना है वो हॉल में कुछ 100 लोग आ सकते हैं और ये आम लोगों को नहीं दिया जाता। ये पार्टी करने के लिए था जहाँ सिर्फ VIP ही पार्टीज कर सकते हैं। हम सच में बहुत लकी है कि बानी हमारे साथ है, उसकी वजह से ही हम जा पा रहे हैं वहाँ। पिछले जमाने में बानी ने सच में कोई बहुत अच्छा काम किया होगा जो आज उसे इतना सब कुछ मिल रहा है। बानी हमारे डिपार्टमेंट में है, यही हमारी किस्मत है। बाकी डिपार्टमेंट वाले तो हमसे जलते हैं। सब लोग लिफ्ट में से बाहर निकल गए थे। अकीरा फर्स्ट फ्लोर पर धीरे से लिफ्ट से बाहर निकली। वो अपने आप को समझा रही थी कि उसे अर्नब के इस एटीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अकीरा ये सच जानती है कि अर्नब को उसकी मॉम से कोई प्यार नहीं था।
ये सब सिर्फ अर्नब ने उसे और उसकी मॉम से अपना मतलब निकालने के लिए किया था। अब उसके पास सब कुछ है तो इसे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी कामयाबी अर्नब को मिली है वो सब अकीरा के नाना की है। अकीरा और उसकी मॉम के पास जो होना चाहिए था वो सब अब अर्नब के पास था। और अर्नब को अकीरा और उसकी मॉम की कोई फिक्र नहीं थी। अकीरा की आंखें लाल हो गई थी। उसने अपने आप को संभाला और अपने मन में बोलने लगी कि ये सब ठीक हो जाएगा। वो मेहनत करेगी और जो भी उसका और उसकी मॉम का है वो उसे वापस लेकर ही रहेगी। अकीरा कार के पास पार्किंग में पहुंची और उसे वहां कुछ अजीब लगा और वो इससे पहले कुछ करती उसे किसी ने बेहोश कर दिया था। अकीरा ने थोड़ी देर बाद जब अपनी आंखें खोली उसके आसपास सिर्फ अंधेरा ही था। एक्चुअली उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वो अपने आजू बाजू की चीजों को महसूस करने लगी। उसे रियलाइज हुआ कि वो किसी सोफे पर है और फिर उसकी हार्ट बीट बढ़ गई थी। उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश की। वो अपनी आंखों की पट्टी हटाई उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उस हाथ ने उसे सोफे पर खींच लिया था। उसकी शक्ल पीली पड़ गई थी। उसने सोचा नहीं था कि ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में किसी के अंदर उसको किडनैप करने के गट्स होंगे। वो जस्ट अभी आई ही तो है, कहीं ये गौरव तो नहीं। उसे पता तो नहीं चल गया उस रात में क्या हुआ था। तुम कौन हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, उस आदमी ने अकीरा के दोनों हाथ पकड़े हुए थे और वो हंसने लगा। अकीरा देख नहीं पा रही थी लेकिन उसे इतना फील हो रहा था कि ये कोई लंबा इंसान है और बहुत ही डोमिनेटिंग है। उस आदमी में से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और कोल्ड वाइब्स आ रही थी। अकीरा को अब बहुत डर लग रहा था। उस आदमी ने नीचे झुककर अकीरा के कान को किस किया और उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि वो अकीरा को किस कर रहा है, लेकिन अकीरा को ज्यादा ऑकवर्ड नहीं लगा। उसकी बॉडी की हीट से अकीरा को अचानक से झटका लगा और वो कुछ सेकंड के लिए शॉक हो गई थी। अकीरा की पूरी बॉडी पर गूज बम्स आ गए थे और उसने धीरे से बोला। जैसे ही उसने प्रणव का नाम लिया उस आदमी ने अकीरा को कान पर जोर से बाइट कर दिया था। कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन तुमने बहुत जल्दी ही गैस कर लिया। प्रणव ने अकीरा की आंखों से वो सिल्क का क्लॉथ हटाया और अपने हाथों से उसकी आंखें कवर कर ली थी। फिर प्रणव ने उससे पूछा, तुम रेडी हो? अकीरा को अब और डर लग रहा था। प्रणव ने उसके साथ अथर्व को भी किडनैप किया है? अथर्व यहाँ क्या कर रहा है? ये छोटा बच्चा बहुत ही परेशान करने लगा है, हर बार कुछ न कुछ गलत करता है और उसका पूरा ब्लेम और उसकी सजा अकीरा को भुगतनी पड़ती है। अकीरा को लग रहा था कि प्रणव को मिलने के बाद अथर्व और भी शैतान हो गया है। 1, 2, 3 प्रणव ने अकीरा के आंखों से अपना हाथ हटाया और अकीरा वहाँ क्या चल रहा है अच्छे से देख नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को संभाला अचानक से एक ब्लूपर की आवाज आई और उसके आसपास कलरफुल पेपर्स की बारिश हो रही थी। अथर्व के हाथ में एक बुके था। अथर्व उस बुके के साथ अकीरा के पास भाग कर गया और उसने अकीरा को हग करके कहा, प्रिटी अकीरा, मेरी ब्यूटीफुल मॉम, हैप्पी बर्थडे। अकीरा ने अथर्व को देखा, उसने फॉर्मल पहना हुआ था। उसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी और उसके शर्ट पर एक बो भी था। वो बहुत ही अच्छा और किसी आर्टिस्ट का मास्टरपीस हो ऐसा लग रहा था। वो कितना क्यूट है। वो बहुत खुश थी कि अथर्व उसका बेटा है। अकीरा ये सब देखकर अपने इमोशंस नहीं रोक पाई और वो रोने लगी और उसने नीचे झुककर अथर्व को एक किस किया और उसे गले लगाकर बोला, थैंक यू बेबी। जब अकीरा ने अपने आसपास देखा तो उसे पता चला कि वो एक बड़े से हॉल में थी जो दिखने में बहुत ही लग्जूरियस था। वो भी कुछ 100 लोगों की कैपेसिटी वाला था। उस रूम में डेकोरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा अकीरा की फोटोज थी। वहाँ अकीरा की ऑलमोस्ट हर फेस की फोटो थी। जब वो गुस्से में हो, खुश हो, कोई कोई फोटोज बहुत ही अच्छी थी। अथर्व ने कैंडिडेट छुपा कर ये सारी फोटोज क्लिक की थी। अकीरा बहुत और इमोशनल भी थी। एक फोटो में वो डाइनिंग टेबल पर सो रही थी। वो बहुत थकी हुई थी। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था और उसके मुंह से सलाइवा गिर रहा था। वो फोटो को देखकर अकीरा को बहुत ही एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। पीछे से प्रणव ने अकीरा को बोला, ये फोटो बहुत गंदी है लेकिन फिर भी बहुत अट्रैक्टिव और ऑथेंटिक है। अकीरा ने प्रणव को देखा और तब उसे रियलाइज हुआ कि प्रणव ने भी फॉर्मल कपड़े पहने हैं और उसने एक महंगा सूट पहना था जो ब्लैक कलर का था और उसने व्हाइट शर्ट पहनी थी कोट के अंदर। इतना ही नहीं, उसने बेल्ट भी पहना था। वो बहुत ही हैंडसम और एलिगेंट लग रहा था। उसके काले घने बालों के साथ उसका फेस बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा था और उसकी आंखें गहरी और अट्रैक्टिव थी।
उसे देखकर कोई भी उस पर फ्लैट हो जाएगा वो बिल्कुल वैसा लग रहा था। प्रणव ने जब नोटिस किया कि अकीरा उसे घूर रही है तो उसने अपने चेहरे पर एक एटीट्यूड वाला लुक बना लिया था। प्रणव की आंखें, उसके आईलैशेस, उसके बाल, उसकी हर चीज परफेक्ट और एडोरिंग थे। उसके लुक्स बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव थे। पूरे हॉल को पेस्टल पिंक कलर के थीम के बेस पर डेकोरेट किया था। वहाँ की लाइट से लेकर पेंट तक सब कुछ परफेक्ट और दिल को छू जाने वाले थे। ये सब देखकर अकीरा को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब उसके लिए है। उसकी हार्ट बीट और भी फास्ट हो चुकी थी। उसने प्रणव को देखा और प्रणव उसे ही देख रहा था। उनके बीच एक छोटा आई कॉन्टेक्ट हुआ। ये सब अकीरा को सपने जैसा लग रहा था। ये सब इल्यूशन है। अगर ये सब सच होता तो वो जानवर जैसा आदमी आज उसे इतना हैंडसम क्यों लग रहा था। अकीरा जब इन सारी चीजों पर और प्रणव की ओर घूर रही थी, प्रणव ने उसे पास आकर बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? तुम कहीं मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी हो ना? अकीरा ने अपने आप को संभाला और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए प्रणव से नजरें हटाकर यहाँ वहाँ देखने लगी। प्रणव ने ताली बजाकर इशारा किया और एक बड़ी लाइन में सब वेटर्स अंदर आने लगे। वेटर्स अंदर कुछ अरेंजमेंट कर रहे थे। जब वो ये सब कर रहे थे तब स्टेज की लाइट डिम हो गई थी। प्रणव ने खासकर अकीरा को इशारा करते हुए बोला, तुम दोनों खड़े क्यों हो? तुम दोनों बैठ जाओ। अथर्व और अकीरा जब बैठ गए थे उसके बाद रूम की लाइट डिम हो गई थी और वहाँ सॉफ्ट म्यूजिक बजने लगा। अकीरा ये देखकर कंफ्यूज हो गई थी और उसने धीरे से पूछा, क्या यहाँ कोई परफॉर्म करने वाला है? अथर्व ने एक्साइटमेंट में अपना सिर हिलाया और अकीरा को बोला, मॉम आप बोलती थी ना आपको स्टीवन का म्यूजिक लाइव सुनना था। मैंने बात बात में अंकल कोल को इसके बारे में बताया और उन्होंने सच में स्टीवन को परफॉर्म करने बुलाया है। अकीरा ये सुनकर चौंक गई थी और वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि ऐसा कुछ हो रहा है। स्टीवन के म्यूजिक को लाइव सुनना बहुत बड़ी बात थी। जब अकीरा अब्रॉड में रहती थी तब एक बार उसने अथर्व को स्टीवन के बारे में बताया था। उसे नहीं पता था कि अथर्व को ये बात याद होगी और उसे ये भी नहीं लगा था कि प्रणव उसे परफॉर्म करने के लिए यहाँ बुलाएगा। और वहीं दूसरी ओर होटल के लॉबी में बानी होटल के मैनेजर से बहुत गुस्से में बात कर रही थी। हमने एक महीने पहले से ही नंबर वन होटल को बुक किया था और अभी एंड मोमेंट पर किसी ने हमारी कैसे बुकिंग ले ली? ये हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। ये हॉल सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है और उसकी बुकिंग एक महीने पहले ही करनी होती है। इसे ऐसे कोई कैसे ले सकता है? कोई और हमारी बुकिंग में इंटरप्ट कैसे कर सकता है? ये इतना पावरफुल इंसान है कौन? मैनेजर तुम ऐसे नहीं कर सकते, हमने पहले बुक किया था। तुम अब किसी और को अपनी मर्जी से हॉल की बुकिंग नहीं दे सकते। अगर ये बात बाहर गई तो तुम्हारे होटल की रेपुटेशन पर बहुत बुरा असर होगा। मैनेजर बार बार बानी से सिर्फ माफी मांग रहा था। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ लेकिन जिन्होंने हॉल बुक किया है वो हमारे बॉस की फ्रेंड है। हम अपने बॉस के अलावा और किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर सकते। हम आपको वो वाला नंबर वन हॉल नहीं दे सकते लेकिन आपको नंबर टू सेकंड बेस्ट है वो जरूर दे सकते हैं। और ये हमारी गलती है इसीलिए आपको 5% ऑफ भी देंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बानी सबसे पहले यहाँ पहुँची थी और वो अपने पेरेंट्स और गौरव का वेट कर रही थी। वो बहुत गुस्से में थी और उसे बुरा भी लग रहा था। उसे नंबर वन हॉल नहीं मिला था, वो किसी और ने बुक कर लिया था और उसे नंबर टू यानी कि सेकंड बेस्ट पर एडजस्ट करना पड़ा। अर्नब, अमृता, गौरव धीरे धीरे करके सारे रिलेटिव्स और फिर सारे ऑफिस स्टाफ आने लगे। बानी को गेस्ट का ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा था। सब धीरे धीरे आते जा रहे थे। अर्नब ने बानी को साइड में खींचा और उसका सैड फेस देखकर उससे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? पापा सबसे बेस्ट हॉल की बुकिंग हमने की थी फिर भी वो किसी और को मिल गया है और हमें सेकंड बेस्ट मिला है। अर्नब ये सुनकर थोड़ा गुस्सा हो गया था। पूरे मुंबई में किसी की इतनी हिम्मत है कि वो उसके बुक किए हॉल को से छीने? इस टाइम पर अर्नब बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैक्टर है। पापा वो होटल के मालिक का दोस्त है, अर्नब ने थोड़ा गुस्से में बोला। तो क्या एक दोस्त के खातिर वो अपने खुद के होटल की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस वाली पॉलिसी भूल गया? बानी को पता था उसके पापा बहुत ही मशहूर और फेमस है, उनके हाथों में बहुत पावर है। पापा शायद जिसने होटल का हॉल छीना है उसे पता नहीं होगा कि हॉल आपने बुक किया है, नहीं तो मुंबई में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे पंगा ले। यहाँ तो हर कोई आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता है। ये सुनकर अर्नब को थोड़ा अच्छा लगा उसकी तारीफ जो हो रही थी। उसने फिर शांत होकर बानी को कहा,
कोई बात नहीं, अब मुझे यहाँ कोई मिस नहीं करना। तुम्हारी मॉम का बर्थडे है आज, बहुत ही स्पेशल दिन है। पार्टी के बाद मैं जाकर उस आदमी से बात करूँगा। उतने ही देर में हॉल के बाहर से आवाज आने लगी, क्या ये सच में स्टेफन है? अर्नब सर ने सच में अपनी वाइफ का बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए स्टेफन जैसे बड़े इंसान को यहाँ बुलाया? वो सच में बहुत पावरफुल है। मुझे तो लगा था इतने बड़े होटल में खाना खाने से ज्यादा बड़ा और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब स्टेफन को देखकर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे परफॉर्म करते हुए देख पाऊंगी। हाँ, मैंने भी सुना है कि स्टेफन के कॉन्सर्ट की टिकट मिलना बहुत मुश्किल है, और आज हमें उसे लाइव सुनने का मौका मिल रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अर्नब सर ने एक्चुअली स्टेफन को यहाँ बुलाया है। अगर मैंने ये सब लाइव इंटरनेट पर स्ट्रीम किया तो पूरे इंटरनेट पर आग लग जाएगी। बानी ने जब आलिया, प्राची और बाकी लोगों की ये बातें करते हुए सुना तो वो बहुत ही शॉक थी। उसने फिर बाद में रियलाइज किया कि वो लोग टॉप म्यूजिक असिस्टेंट स्टेफन की बात कर रहे थे। वो खुशी से पागल हो गई थी। उसने अपने पापा को खुश होकर पूछा, पापा मुझे लगा आप इतने बड़े होटल में पार्टी रख रहे हो, वही सबसे बड़ी बात होगी, लेकिन आपने यहाँ स्टेफन को बुलाया है, आपने ये सब मैनेज कैसे किया? आप बेस्ट हो, थैंक यू पापा। बानी आज बहुत खुश थी क्योंकि स्टेफन आज यहाँ था, और वो एक्साइटेड भी थी। हालांकि आज की पार्टी की मेन स्टार अमृता थी, लेकिन लोगों की नजर बानी पर ही थी, वो अमृता की बेटी जो है। पापा आपने मुझे आज बहुत खुश कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं था कि बानी की मॉम अमृता को अर्नब इतना पसंद क्यों था। अर्नब जितना पावर और टैलेंट किसी और के पास नहीं था। अर्नब बानी की बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया था। क्या स्टेफन? हाँ, उसने किसी को परफॉर्म करने के लिए बुलाया था, लेकिन वो स्टेफन तो नहीं था। आलिया, प्राची और बाकी लोग लॉबी में खड़े स्टेफन को ही घूर रहे थे। वो सब लोग हॉल के अंदर वही एंट्रेंस पर खड़े थे। स्टेफन अपनी टीम को हॉल में जाने के बारे में इंस्ट्रक्ट कर रहा था। स्टेफन दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसकी टॉल हाइट, उसकी बॉडी, चेस्ट और उसकी आंखें तो और भी अट्रैक्टिव थी। सब लोग वहां खड़े सिर्फ स्टेफन को ही देखकर चिल्ला रहे थे और खुश हो रहे थे। कुछ लड़कियां ब्लश भी कर रही थी। आलिया ने स्टेफन को देखा और वो अपने आप को नहीं रोक पाई और चिल्लाने लगी, स्टेफन इधर, तुम्हें इस रूम में परफॉर्म करने आना है, हम वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। अर्नब बानी को देखकर बोलने लगा, मैंने स्टेफन को यहाँ नहीं बुलाया है, ये सब गौरव ने तो नहीं किया, उसने ही शायद स्टेफन को इनवाइट किया होगा। बानी ये सुनकर थोड़ा मायूस हो गई थी। ठीक है, मैं गौरव से बात करती हूँ। उतने में उसकी नज़र गौरव पर पड़ी। वो बहुत काम था और किसी गेस्ट से बात कर रहा था। बानी को लगा कि ये सच में गौरव ने किया है। पापा, कुछ दिनों पहले मेरी और गौरव की लड़ाई हो गई थी, तो गौरव ने बोला था कि वो कुछ तरीके से मुझे मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो मुझे मनाने के लिए यहाँ स्टेफन को इनवाइट करेगा। बानी फिर से खुश और एक्साइटेड हो गई थी, और उसने खुश होकर अपने पापा को बोला, ठीक है पापा, मैं जाकर पहले गौरव से बात करती हूँ। वो खुद को बहुत ही लकी समझ रही थी। गौरव सच में मुझे बहुत प्यार करता है, उसने कितने पैसे और पावर यूज किए होंगे। बानी गौरव से बात करने ही जा रही थी कि उसने पाखी को चिल्लाते हुए सुना, स्टेफन तुम गलत रूम में जा रहे हो, तुम्हें इस हॉल में आना है। अरे स्टेफन, तुम हॉल नंबर 1 में क्यों जा रहे हो? पूरे हॉल में अब शांति हो गई थी। बानी ने अपने फ्रेंड्स और कलीग को भी बुलाया था, और ऑलमोस्ट सब लोग ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन में काम करते थे। सबको हाई क्लास और लो क्लास की समझ थी। वहाँ सबको अच्छे से पता था कि क्या बेस्ट है, क्योंकि वो सब अमीर जो थे, लेकिन उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो इतना रिच और पावरफुल हो कि स्टेफन की म्यूजिक को अफोर्ड कर सके। वो कुछ ज्यादा ही हाई क्लास सोशल स्टेटस को बिलोंग करता था। वो सब अब सच में हॉल नंबर 1 में जाने लगे। अरे, हमारा इनविटेशन तो हॉल नंबर 1 में पार्टी में है, ऐसा लिखा है ना? हम सब यहाँ हॉल नंबर 2 में क्या कर रहे हैं? चलो उधर जाते हैं, शायद हमें मैनेजर ने गलत हॉल में भेज दिया है। हमारे इनविटेशन पर तो हॉल नंबर 1 लिखा है, और स्टेफन भी हॉल नंबर 1 में ही गया है। ये तो पक्का है कि स्टेफन को अर्नब सर ने ही बुलाया है। चलो हम जाकर मैनेजर से बात करते हैं। बानी के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे जब उसने आलिया को मैनेजर के पास जाते हुए देखा, और उसके पीछे पीछे प्राची भी चली गई थी। बानी ने बाजू में खड़े गौरव को देखा, वो बात करने में बिजी था। उसका बाकी के लोगों पर कोई ध्यान नहीं था, उसे कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। अमृता ने बानी को साइड में बुलाया और बानी को बहुत ही खुश होकर बोलने लगी, मुझे तुम्हारे पापा ने बताया स्टीफन को गौरव ने यहाँ इनवाइट किया है।
अमृता रॉयल फैमिली से नहीं थी, लेकिन अब अर्णव इतना रिच और पावरफुल था तो कहीं ना कहीं अमृता की भी थोड़ी बहुत आदतें बदल गई थी और वो रॉयल वुमेन की तरह रहने की कोशिश करती थी। कुछ दिनों पहले अमृता अपनी रॉयल फ्रेंड्स के साथ बाहर गई थी और तभी उसने बातों बातों में स्टीवन के बारे में सुना था। वो सब लोग बात कर रहे थे कि वो मुंबई से अब्रॉड सिर्फ स्टीवन के कॉन्सर्ट के लिए गए थे और उसकी टिकट्स इतनी महंगी थी कि वो लास्ट रो भी बड़ी मुश्किल से मिल पाए थे। लेकिन वो सब लोग अमृता को देखकर टॉन्ट कर रहे थे। अमृता को लगा कि भले ही अर्णव उसे स्टीवन के कॉन्सर्ट में नहीं लेकर गया, लेकिन उसकी इतनी प्यारी बेटी ने उसके लिए ऐसा सन इन लॉ ढूंढा जो उसके लिए स्टीवन को यहाँ लेकर आया है। गौरव ने सच में स्टीवन को बुलाया और किसी को बताया भी नहीं। वो सच में बहुत स्मार्ट है। ये सब बातें आसपास चल रही थी और बानी बहुत टेंशन में थी। अगर ये सब देखकर उसे क्या चल रहा है उसका एहसास नहीं होगा तो वो सच में स्टूपिड है। एक हॉल की बुकिंग पहले ही उसने छीन ली थी और अब स्टीवन उधर जा रहा था। बानी आलिया और प्राची के पीछे भाग भाग कर गई। उन दोनों ने ऑलरेडी मैनेजर को ढूंढ लिया था और उसे गुस्से में धमकी दे रहे थे। अर्णव सर ने हॉल नंबर 1 बुक किया था, फिर भी तुमने हमें हॉल नंबर 2 में भेजा। तुमने ये सब क्यों किया? और तो और स्टीवन को भी सर ने इनवाइट किया है, तुमने उसे भी हॉल नंबर 1 में भेज दिया। तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? अब शायद तुम्हारे होटल की इज्जत डूबने वाली है। मैनेजर थोड़ा डर गया था और वो उन दोनों को घूरने लगा। वो बात अलग है कि वो इस टाइम दोनों पागल लड़कियों से बात कर रहा था, लेकिन उसने अपने काम की रिस्पेक्ट करते हुए बोला, स्टीवन को वहाँ हॉल नंबर 1 में ही इनवाइट किया गया है। मैनेजर अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही आलिया ने उसे इंटरप्ट करते हुए बोला, तो ठीक है, मुझे वहाँ लेकर चलो। आलिया अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। अगर वो स्टीवन के साथ एक फोटो अपलोड कर देती तो पूरा इंटरनेट उसका फैन बन जाता। उसे सिर्फ स्टीवन के साथ फोटो क्लिक करना था। मैनेजर ने उन लोगों को हंसते हुए कहा, मैडम हॉल नंबर 1 किसी और वीआईपी गेस्ट ने बुक किया है उनके फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए, और अर्णव सर ने वो हॉल बुक नहीं किया है। स्टीवन को अर्णव ने नहीं, किसी वीआईपी ने अपने फ्रेंड के लिए बुलाया था। मतलब स्टीवन और हॉल नंबर 1 का अर्णव और बानी की फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं था। मैनेजर ने इशारा करके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया और बहुत ही सॉफ्ट और पोलाइट तरीके से उन दोनों को बोला, मैडम हमारे होटल के रूल है कि यहाँ आने वाले किसी भी गेस्ट को ये हक नहीं है कि वो स्टाफ या किसी के साथ भी ऐसे मेन लॉबी में आर्ग्यूमेंट करे। जो भी ये रूल तोड़ेगा उसे यहाँ ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, फिर वो कोई भी हो। अब आप दोनों ने रूल तोड़ा है तो आपको यहाँ से जाना होगा। आप खुद चले जाओ, नहीं तो। वो मैनेजर अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही पाखी और प्राची समझ गए थे कि वो सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें यहाँ से बाहर निकालने आए हैं। अगर वो खुद नहीं गए तो उन्हें धक्का मार कर यहाँ से निकाला जाएगा। तुम एक मामूली मैनेजर हो और हम अर्णव कौशल के गेस्ट बनकर आए हैं। हमें यहाँ बानी कौशल ने इनवाइट किया है और गौरव सक्सेना उसकी फियांसे है। तुम बताओ, क्या तुम इतने बड़े 2 फैमिलीज को ऑफेंड करना चाहते हो? मैनेजर ने पीछे से बानी को आते हुए देखा और वो चुप से खड़ा हो गया था। आलिया ने भी देखा कि बानी आ रही थी। ये देखकर वो और भी कॉन्फिडेंट हो गई थी और चिल्लाने लगी, क्या हुआ, तुम डर गए क्या? तुम क्या बोल रहे थे? तुम हमें यहाँ से बाहर निकालने वाले हो ना? अगर तुमने हमसे अभी माफ़ी मांग ली तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, नहीं तो तुम्हारी कंप्लेंट करके तुम्हारी जॉब छुड़ा देंगे। बानी थोड़ी ही पीछे खड़ी थी और वो मैनेजर के लिए कुछ बोलना नहीं चाहती थी। वो आलिया जो कर रही थी उससे खुश थे। ये मैनेजर के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमारा होटल किसी और को दिया है इसने, आलिया उसे डांटकर और धमकाकर अच्छा कर रही थी। वो अपने बारे में कंप्लेन ना जाए उसकी पूरी कोशिश करेगा। अब उसने इतनी मेहनत की होगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन मैनेजर ने सिक्योरिटी ऑफिसर को इशारा किया और वो आलिया और प्राची को जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकालने लग गए। उन्हें किसी बात का डर नहीं था। आलिया बहुत डर गई थी और वो बानी की तरफ देखकर चिल्लाने लगी, बानी मुझे बचाओ, ये लोग मुझे निकाल रहे हैं, मुझे बाहर नहीं जाना। बानी ऑलरेडी बहुत गुस्से में थी और ये सब देखकर वो मैनेजर के पास गई और उस पर चिल्लाने लगी, मैनेजर तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे गेस्ट को तुम ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अगर प्राची और आलिया को ऐसे बाहर निकाला तो ये बहुत एम्बैरेसिंग होगा। मैनेजर अभी भी स्माइल कर रहा था।
मिस कौशल, ये हमारे होटल का रूल है। अगर कोई मिसबिहेव करे तो हम उन्हें एंटरटेन नहीं करते। अगर आप चाहे उन्हें दूसरी जगह ले जा सकती है। बानी ये सुनकर पागल हो गई थी। उसे बहुत गुस्सा आने लगा। एक छोटा मैनेजर बानी को इतनी बातें बोल रहा था। वो है कौन जो इतने रिच और पावरफुल फैमिली को ऑफेंड कर रहा है? क्या वो हमारे दिए हुए कॉन्सिक्वेंसेस सह पाएगा? मैनेजर ने बानी से बात करना बंद कर दिया और वो हॉल नंबर 1 की तरफ जाने लगा। उधर जाकर उसने डोर को नॉक किया। तब उसके एक्सप्रेशन बहुत ही रिस्पेक्टफुल और डिसेंट थे। जब उसने बानी और उसके दोस्तों से बात की थी तब उसका एटीट्यूड और अब उसका एटीट्यूड बहुत अलग था। वो सिर्फ एक गधा है जिसको हमारे बारे में पता नहीं है। बानी को हॉल नंबर 1 में जाकर देखना था कि वहाँ कौन अपना बर्थडे मना रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। उसको मजबूरन अपने हॉल में वापस जाना पड़ा और वहीं सब खाना खा रहे थे। ड्रिंक करने के बाद लोग जोर जोर से बातें करने लगे। मिस कौशल, क्या स्टीवन अभी परफॉर्म नहीं करेगा? आप उसे अभी ही बुला लो, हम उसको परफॉर्म करते हुए देखने के लिए बहुत एक्साइटेड है। बानी को बहुत ही गुस्सा आ रहा था और उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अपने हाथ को मुट्ठी में बंद कर लिया था। अर्नब को पता चल गया था कि स्टीवन को गौरव ने नहीं बुलाया है, और जब गेस्ट स्टीवन के बारे में पूछने लगे उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी पावर खत्म हो गई है। उसने बानी को एक स्माइल के साथ देखा, लेकिन बानी समझ गई थी कि अर्नब बहुत गुस्से में है, क्योंकि स्टीवन को देखकर बानी के फ्रेंड्स ही अज्यूम कर चुके थे कि वो यहाँ परफॉर्म करने वाला है और ये सब कियास की जिम्मेदारी बनती थी। बानी बहुत डर गई थी और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो रोने लगी। गौरव ने देखा कि बानी रो रही है। उसने बानी का हाथ पकड़ा और बानी को प्यार से बोला, तुम फिक्र मत करो, ये अब मिसकंसेप्शन है, हम सबको बताएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बानी को पता था कि ये उससे भी ज्यादा है। अगर ये बात सबको पता चलती और अर्नब की रेपुटेशन खराब हुई तो उसका पूरा ब्लेम सिर्फ और सिर्फ बानी पर आएगा। गौरव, क्या लोग अपने मतलब के लिए किसी और को बुला सकते हैं? आज मेरी मॉम का बर्थडे है और आज बाजू वाले हॉल नंबर 1 में किसी का बर्थडे है। तुम्हें लगता है ये उन्होंने पर्पसली किया है? बानी ने शिगैस किया था। प्रणव ने पर्पसली सब अरेंजमेंट हॉल नंबर 1 में किया था। वो अकीरा को वो सब देना चाहता था जो कौशल फैमिली उसे नहीं दे रही थी। वहाँ हाई फाई खाना था, एक हाई क्लास म्यूजिक और एक रोमांटिक माहौल, और क्या चाहिए था। और उसके साथ दो बहुत ही हैंडसम लड़के थे। अकीरा को लग रहा था कि ये सब एक सपना है। जब म्यूजिक खत्म हुआ था, अकीरा की नजर प्रणव से हटकर उसके बाजू में बैठे प्रणव पर गई। उसे नहीं पता था कि प्रणव ने कब अपना कोट और वेस्ट निकालकर उसकी टाई भी लूज कर दी थी। वो उस टाई के नीचे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। वो अपने पैर क्रॉस करके पीछे लीन करके आराम से काउच पर बैठकर अपनी रेड वाइन एंजॉय कर रहा था। उसके फीचर्स बहुत ही अट्रैक्टिव और चार्मिंग लग रहे थे। अकीरा के मन में प्रणव को लेकर कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। अकीरा विश्वास नहीं कर पा रही थी कि इस जानवर ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए इतनी अच्छी अरेंजमेंट्स की है। शायद ये सब करके प्रणव ने अकीरा को बहुत ही खुश कर दिया था। अकीरा उसको देखकर बहुत सरप्राइज थी। उसके गुस्से और जानवरों वाली आदतों के अलावा उसमें कुछ अच्छी क्वालिटी भी थी। वो बहुत स्लोली और नीटली कह रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बचपन से ही सिस्टमैटिक रहा है। ये डेजर्ट है, वेटर ने अकीरा को दो बार बोला, लेकिन अकीरा का ध्यान प्रणव पर था और वो वेटर को इग्नोर कर रही थी। अकीरा को फिर अचानक से प्रणव ने टेबल के नीचे से पैर पर जोर से मारा, और कुछ देर पहले तक अकीरा जिस इंसान को सामने सोफे पर बैठे देखकर खो गई थी, वो वापस चिल्लाने लगा, तुम दिन भर मुझे क्यों देखती रहती हो? तुम्हें पता है अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रहोगी तो मैं तुम्हें किस कर दूंगा। अथर्व गाने में खोया हुआ था तो उसने प्रणव की बातों को क्लियरली नहीं सुना, लेकिन अकीरा और वेटर ने उनकी बातों को अच्छे से सुना था। अथर्व प्रणव को कंफ्यूजन में देखने लगा। तुम्हारे अंदर देखने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं, बस आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। ये सुनकर प्रणव शॉक था और वो फ्रीज हो गया था। कुछ सेकंड्स बाद प्रणव ने अकीरा की थोड़ा स्टैमर करते हुए बोला, तो तुम पागल हो गया, मैं हैंडसम क्यों नहीं लगूंगा। इतना बोलकर प्रणव वहाँ देखने लगा और वो अकीरा को फिर से देख नहीं रहा था। अकीरा सोचने लगी, क्या ये शर्मा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो इंसान इतना फियर्स सेल्फिश हो वो इतना क्यूट नहीं हो सकता कि एक बार तारीफ सुनकर शर्माने लगे। प्रणव को तो हर कोई ये बोलता होगा, तो वो अब ऐसे क्यों शर्माएगा।
मिस अकीरा, ये आपका डेजर्ट है। जिस वेटर को अकीरा अब तक इग्नोर कर रही थी उसने फिर से बोला। अकीरा ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, थैंक यू सो मच। अकीरा का पेट भर चुका था और वो कुछ मीठा खाना नहीं चाहती थी। प्रणव अकीरा को देख रहा था। उसने नोटिस किया कि अकीरा खा नहीं रही थी और उसने अकीरा को पूछा, तुम खा क्यों नहीं रही हो? अकीरा ने थोड़ा नर्वस होकर बोला, मेरा पेट भर गया है, मैं नहीं खा सकती। अकीरा को समझ नहीं आ रहा था उसने अब ऐसा क्या कर दिया कि प्रणव को गुस्सा आ रहा है। प्रणव ने स्ट्रॉन्ग आवाज में ऑर्डर दिया, नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा, अभी खाओ। अथर्व म्यूजिकल परफॉर्मेंस में खोया हुआ था और प्रणव की आवाज से उसका ध्यान अकीरा और प्रणव पर गया। अंकल कूल, आप बहुत बात कर रहे हो। प्रणव ने अकीरा के बाजू से अथर्व को उठाया और साइड में बैठा दिया और खुद जाकर अकीरा के बाजू में बैठ गया था। प्रणव अकीरा को घूरने लगा और फिर उसे गुस्से में बोला, खाओ अभी। अकीरा ने स्पून उठाई और खाने लगी। उसे पता चल गया था कि प्रणव को बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर उसने नहीं खाया तो प्रणव यहीं शुरू हो जाएगा। उसने प्रणव की रिक्वेस्ट सुनते हुए दो बाइट खाई और फिर उसने देखा कि प्रणव कॉन्स्टेंटली उसे ही देखे जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो डेजर्ट के अंदर कुछ मिलाने का इशारा कर रहा है। वो थोड़ा नर्वस भी लग रहा था। अकीरा की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। उसका हार्ट कॉन्स्टेंटली जोर जोर से बीट कर रहा था। प्रणव ने डेजर्ट में कुछ मिलाया है क्या? इसमें ड्रग या कुछ है? नहीं नहीं, ड्रग नहीं हो सकता, क्योंकि ड्रग होता तो वो खाने में मिलाता, डेजर्ट में नहीं। लेकिन डेजर्ट भी तो हो सकता है ना? अकीरा नीचे देखने लगी। वो बहुत कंफ्यूज्ड और डरी हुई थी। प्रणव को तो अकीरा के लिए कोई फीलिंग नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो उसे वो चीज दे सकता है, ये वही तो नहीं। और खाओ, जल्दी खाओ। प्रणव अकीरा को खाने के लिए फोर्स करने लगा। अकीरा और खाने लगी और उसके कुछ बाइट लेने के बाद उसने नोटिस किया डेजर्ट में कुछ तो छुपा हुआ था। अकीरा ने स्पून से उस डेजर्ट को पोक किया और उसने देखने की कोशिश की और अब वो रेस्टलेस हो गई थी। आज की रात उन दोनों के लिए ही बहुत अच्छी रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ झगड़ा डिसएग्री नहीं किया था। वो ये सब खराब नहीं करना चाहती थी, उसे ये माहौल अच्छा लग रहा था। अगर प्रणव ने उसे रिंग दी तो उसने सोच लिया था कि वो प्रपोजल रिजेक्ट कर देगी। तुम खा क्यों नहीं रही हो? अकीरा ने वो डेजर्ट में जो हाइट चीज थी उसे प्रणव के सामने ही खाया। उसके खाने के बाद उसने उस हार्ड चीज को मुंह से निकाला और प्रणव को चिल्लाने लगी, ये क्या है? ये मेरे गले में अटकने वाला था। अकीरा वो चीज नीचे रखे उससे पहले वेटर ने उसके हाथ से वो चीज ले ली थी और पानी से धोकर उस चीज को एक नेकलेस में लगाकर अकीरा को देने लगा। अकीरा अब तक सोच रही थी कि वो प्रणव की गिफ्ट को कैसे मना करे जिससे उसका झगड़ा भी ना हो और वो गिफ्ट भी ना ले। जब अकीरा ने उस नेकलेस को देखा वो शॉक थी। अकीरा ने जैसा सोचा था वो एक रिंग नहीं थी, वो एक ब्लैक बुलेट थी। अकीरा अभी भी कंफ्यूज थी। उसने वेटर के हाथ से वो नेकलेस जिसमें बुलेट फिट की गई थी वो ली और प्रणव को कंफ्यूजन में देखा, ये क्या है? प्रणव ने वो नेकलेस अकीरा के हाथ से लिया और वो उसे पहनाने लगा और बोला, ये मेरे तरफ से तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट है, तुम्हें इसे रोज पहनना होगा। अकीरा ने प्रणव को लुक दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि प्रणव उसे ये बुलेट क्यों गिफ्ट कर रहा था, लेकिन जब तक वो उसे रिंग गिफ्ट नहीं कर रहा था अकीरा को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रणव ने अथर्व को देखा, वो म्यूजिक सुनने में बिजी था और उन लोगों पर उसका कोई भी ध्यान नहीं था। उसने धीरे से अकीरा की तरफ अपना चेहरा शिफ्ट किया और अकीरा की चिन को, मैंने तुम्हें आजकल डिस्टर्ब करना बंद कर दिया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हमारे डील के बारे में भूल चुका हूँ। हमारी कितनी मॉर्निंग और नाइट किस बची है? उससे पहले कि वो कुछ जवाब दे प्रणव ने उसे किस कर लिया था। प्रणव ने उसे बहुत ही पैशनेटली और डीपली किस किया। उसका मुंह बहुत सॉफ्ट और स्वीट था। उसने अभी अभी अपना डेजर्ट खत्म किया था ना? प्रणव की किस से अकीरा को लग रहा था कि पिछले दिनों की किस पेंडिंग थी वो आज प्रणव ने अच्छे तरीके से एक साथ पूरी कर दी थी। अकीरा की आंखें बड़ी हो गई थी जब प्रणव ने उसे किस किया। प्रणव पागल है। यहाँ पर सिर्फ स्टीवन और उसकी टीम ही नहीं बल्कि अथर्व भी था इस हॉल में। वो ये सब ऐसे सबके सामने कैसे कर सकता है?
आज की प्रणव की किस बहुत ही ओवरबेयरिंग थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रणव उसे पूरा खा जाएगा। प्रणव ने अकीरा को आज सबके सामने बहुत इंटेंस किस कर लिया है। अकीरा को ऑकवर्ड फील हो रहा था। अब किस और भी हॉट और क्रेजी हो रही थी। प्रणव उसे बहुत हार्ड किस कर रहा था जिसकी वजह से अब उसके लिप्स नम हो चुके थे। प्रणव की किसिंग टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी, बेस्ट नहीं थी, लेकिन अकीरा से तो बहुत ही ज्यादा बेटर थी। वो अब इतने इंटेंस और डीप किस को हैंडल नहीं कर पा रही थी। अकीरा अब हार मान गई थी। उसकी सांसें इररेगुलर हो रही थी। वो बहुत ही ब्रेथलेस फील कर रही थी। उसने अपना हाथ प्रणव की शोल्डर पर रखे और उसे पीछे धक्का दे दिया। प्रणव उसे और भी जोर से किस करने लगा। जब उसे रियलाइज हुआ अकीरा उसे धक्का दे रही है, उसने फिर अकीरा को छोड़ दिया। जब उन दोनों ने एक दूसरे को छोड़ा, उन लोगों ने रियलाइज किया कि अथर्व अपनी आंखें बड़ी करके उन्हें घूर रहा था और बैठकर अपनी ड्रिंक और उनकी किस एंजॉय कर रहा था। अकीरा के गाल लाल हो गए थे। वो प्रणव को गुस्से से देखने लगी। ये बेशर्मी का जिम्मेदार प्रणव ही था। ये सब उसी की गलती है। फिर वो हॉल में से बाहर निकलने के लिए वॉशरूम का बहाना करके निकल गई। उसे थोड़ी ताजी हवा चाहिए थी। वो सफोकेटिंग किस के बाद, अकीरा के जाने के बाद प्रणव अथर्व को घूरने लगा और उसने उससे बोला, तुम्हारी मम्मी अब मेरी है। मुझे नहीं लगता उसे किस करने से पहले मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है। है जरूरत? अथर्व चेयर पर खड़ा हो गया, लेकिन अभी भी वो अपनी और प्रणव की हाइट मैच नहीं कर पा रहा था। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने फिर अपना सिर ऊपर किया और प्रणव को गुस्से में बोला, मैं आपको इस बार माफ कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरी प्रिटी अकीरा के लिए इतना सब कुछ अरेंज किया है, उसे बर्थडे सरप्राइज दिया है, लेकिन आप अगली बार ऐसा नहीं कर सकते। अकीरा को सिर्फ उसका फ्यूचर हस्बैंड ही लिप्स पर किस कर सकता है। प्रणव को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मुझे नहीं पता अगर तुम अकीरा से शादी करना चाहते हो कि नहीं। जब तुम अकीरा से शादी के बारे में नहीं सोचते, तुम उसे किस नहीं कर सकते। प्रणव ने अथर्व को गुस्से में बोला, अगर तुम अकीरा के बेटे नहीं होते तो मैं तुम्हें यहाँ से फेंक देता। अथर्व अब कुछ नहीं बोलना चाहता था। वो सोच रहा था, प्रणव कितना हाई टेम्पर वाला आदमी है, बच्चों को भी बुली कर रहा है। अकीरा हॉल से निकलकर वॉशरूम में गई। उसने नल चालू किया और अपना मुंह धोकर वॉश बेसिन के सामने खड़ी हो गई थी। उसके गाल और लिप्स थोड़े नॉर्मल हुए। उसके बाद वो उस बुलेट नेकलेस को ऊपर करके चेक करने लगी। वो ये नेकलेस उतारना चाहती थी, लेकिन अगर वो ऐसा कुछ करती तो प्रणव पागल हो जाता और पता नहीं उसके साथ क्या करता। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो प्रणव को अपनी लाइफ ऐसे क्यों कंट्रोल करने दे रही है। वो किसी और लड़के को डेट करने के बारे में सोच भी नहीं रही थी, और ओवरबेयरिंग और डिमांडिंग इंसान को भी नहीं। वो किसी और लड़के को डेट करने के बारे में सोच भी नहीं रही थी, उस ओवरबेयरिंग और डोमिनेटिंग इंसान को भी नहीं। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर जाने लगी। उतने में ही किसी ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। एक स्ट्रॉन्ग फेस ने उसे वॉशरूम के अंदर धक्का दिया। अकीरा को ये आदमी कौन है उसका अंदाजा हो गया था। उसने उसे धक्का नहीं दिया, वो अपने आप को अपने हाथों से सपोर्ट कर रही थी वहाँ सीधे खड़े रहने के लिए। क्या कोइंसिडेंट है, तुम्हारी मदर इन लॉ भी यही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है ना। अकीरा जब हॉल नंबर 1 से वॉशरूम जाने के लिए निकली, उसे तब रियलाइज हुआ कि ये वही 5-स्टार होटल है जहाँ बानी ने अपनी मॉम के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। गौरव अकीरा को घूर रहा था, उसकी आंखें लाल थी। उसने गुस्से में अकीरा को पूछा, तुम अभी अभी हॉल नंबर 1 से निकली हो ना, तो तुम ही हॉल नंबर 1 में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो। तुम ऑलरेडी उस रात उस होटल में मेरे साथ रह चुकी हो ना, और आज तुम्हारे लिए मैंने फ्लावर्स भी भेजे थे। तुम क्यों अपने उल्टे सीधे काम बंद नहीं कर देती, पहले की तरह ही तुम अभी भी चीप हरकतें करती हो ना। ऊपर लिफ्ट किया और बोला। जब गौरव ने उसे चीप और ये सारी बातें सुनाई 4 साल पहले को लेकर, उसे बहुत बुरा लग रहा था। अकीरा और कुछ नहीं, बस अपने मन में गुस्से को बढ़ता हुआ देख रही थी। चीप, और वो भी मैं, खुद को कौन सी कैटेगरी में गिनेगा फिर ये।
ऐसे लड़के जो एक प्रेग्नेंट फियांसे होने के बाद भी दूसरी लड़कियों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, वो सच में बहुत ही डम और अनडिजर्विंग है। गौरव को लगा कि अकीरा चुप है, मतलब उसे अपनी गलती का एक एहसास है और उसे बुरा लग रहा है। उसने अकीरा को जोर जोर से हिलाकर बोला, अकीरा तुम अभी भी उस बूढ़े आदमी के पैसों का सपोर्ट ले रही हो, वो तुम्हारे दादा की उम्र का होगा ना, तुम्हें पता था ना अर्नब अंकल अमृता आंटी के लिए यहाँ पार्टी रख रहे हैं, और तुमने ही अपने उस बूढ़े आदमी को बोलकर हमारा हॉल छीना है ना, तुम अंकल के इंसल्ट करवाना चाहती हो ना, तुमने तो स्टीवन को भी इन्वाइट किया है ना। अकीरा सच बताओ, सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ही तुमने अपने आप को बेच दिया है क्या? अकीरा बहुत डेजी फील कर रही थी, गौरव ने उसे इतने जोर से शेक किया था। उसने फिर अपने आप को संभाला और गौरव को एक थप्पड़ मारकर बोला, चुप रहो, तुम मुझे ये सब बोलने वाले होते कौन हो, तुमसे ज्यादा घटिया और कोई हो सकता है क्या? गौरव को अकीरा ने थप्पड़ मारा था जिसकी वजह से वो पूरी तरह हिल गया था। उसने अकीरा को गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? गौरव को 4 साल पहले अकीरा ने थप्पड़ मारा था, उसने अब तक उसका भी बदला नहीं लिया था। उसने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी है जो खुद गलत होने पर भी दूसरों पर हाथ उठाती है। गौरव को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने अपने हाथों की मुट्ठी को गुस्से में बंद कर लिया था। अकीरा तुम खुद को क्या समझती हो, तुम हो कौन, तुम ये मत सोचो क्योंकि उस रात हम साथ थे और खुश थे तो मैं तुम्हारी सारी हरकत सहन करूंगा। मुझे तो सोचकर घिन आती है, मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के बाद अब तुम उस बूढ़े आदमी के साथ। गौरव अकीरा के प्रिटी फेस को देखने लगा और उस रात उनके बीच जो हुआ था वो सोचकर एक्साइटेड हो रहा था। अकीरा तुम्हें वो बूढ़ा आदमी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है ना, तुम अगर चाहो तो मैं वो थप्पड़ भूलकर अभी। अकीरा ने गौरव को जोर से किक किया और वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले उसे इंटरप्ट किया, गौरव तुम ये बोलना बंद कर दो कि मैं तुम्हारे साथ सोई हूँ, तुम्हारी वजह से मैं बीमार पड़ गई थी। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई, तुम्हारे और उस दूसरी लड़की के बीच जो हुआ था उसका पूरा वीडियो है मेरे पास, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक कॉपी भेज सकती हूँ। पहले तो जो अकीरा ने किक की थी उससे उसको बहुत दर्द हो रहा था और अकीरा की बात सुनकर वो शॉक था। अकीरा ने गौरव को अपने से दूर धक्का दिया और वो हंसने लगी। हंसते हुए अकीरा वहाँ से बाहर जाने लगी थी। वो वहाँ से बाहर निकले उससे पहले पीछे से उसके बाल खींचे गए थे। गौरव ने उसे बालों से खींचकर पीछे दीवार पर धक्का दे दिया था। अकीरा ने अपने आप को बचाने के लिए फिर से गौरव को किक करने की कोशिश की थी। गौरव थोड़ा पीछे हो गया और वो उसकी किक से बच गया था। गौरव को अभी अकीरा पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि अकीरा इतनी स्मार्ट निकलेगी, वो उसके साथ ऐसा कुछ करेगी। और गुस्से में उसने अकीरा को मारा। अकीरा ने नहीं सोचा था कि गौरव खुद गलत होने के बाद भी किसी लड़की को इस तरह मारेगा। इससे ज्यादा कुछ हो उससे पहले अकीरा ने वॉशरूम का दरवाजा खोला और वहाँ से बाहर भाग गई थी। थोड़ा आगे जाने के बाद वो एक मस्कुलर आदमी से टकरा गई। ऐसा नहीं है कि हमारे हॉल में वॉशरूम नहीं है, तुम इतनी देर से यहाँ बाहर इस वॉशरूम में क्या कर रही हो, उस आदमी ने चिल्लाकर अकीरा को पूछा। प्रणव की आंखें बड़ी हो गई थी जब उसने अकीरा का डरा हुआ चेहरा देखा। क्या हुआ, अकीरा कुछ बोले उससे पहले ही प्रणव ने गौरव को फीमेल वॉशरूम से बाहर आते हुए देखा। उसने अकीरा को साइड में हटाया और गौरव के पास भाग कर गया और उसे मारने लगा। गौरव प्रणव को ढंग से देख भी नहीं पाया था। गौरव जोर से चिल्लाने लगा लेकिन प्रणव ने उसकी आंखों से लेकर पैर तक हर जगह उसे पंच करना शुरू कर दिया था। गौरव ने प्रणव की आंखों पर और उसके चेहरे पर मारा था जिसकी वजह से वो प्रणव को क्लियरली नहीं देख पा रहा था, लेकिन इससे इतना रियलाइज हो गया था कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। उसने भी प्रणव से लड़ने के लिए उसका मुंह पकड़ा और उसे मारने की कोशिश की। प्रणव बहुत टाइम से गौरव को मारना चाहता था, उसी दिन से जब से उसने उसको अकीरा के साथ प्राइवेट हॉल में देखा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। अब उसको ये मौका मिल गया था तो वो उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। जब तक गौरव ने सरेंडर नहीं किया प्रणव उसे मारता रहा। प्रणव ये हाई टेंपर वाला जानवर और कितना डरावना हो सकता है, अकीरा अपने गले को ठीक कर रही थी। अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो शायद प्रणव गौरव को जान से मार देगा, वो सच में पर्वर्ट है, उसके अंदर क्या स्किल्स है
उसे अगर किसी बॉक्सिंग गेम में भेज दिया तो जीत कर आएगा और लोग उसे बॉक्सिंग चैंपियन बुलाएंगे। कोई इसे लड़ सकता है क्या? अकीरा ने अपने आप को संभाला और प्रणव को देखकर अकीरा को भी डर लग रहा था। गौरव को उसने इतनी बुरी तरीके से मारा था कि वो वहीं के वहीं बेहोश हो गया था। प्रणव ने देखा कि गौरव नीचे गिर गया है, तब उसने उसकी बॉडी पर 2-3 किक किए और उसे देख कर कहा, यूजलेस। अकीरा को बहुत डर लग रहा था। प्रणव, तुमने उसे ज्यादा नहीं मारा था, लेकिन तुम्हारा एक पंच उसके 5 के बराबर था। प्रणव ने अपने नकल्स क्रैक किए और वो अकीरा के पास आने लगा। अकीरा का डरा हुआ मुंह देखकर प्रणव ने उसे बहुत ही नॉर्मल आवाज में पूछा, तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ ना? अकीरा ने गौरव को देखा, वो नीचे बेहोश पड़ा था और उसका मुंह पूरा स्वेल हो गया था, उसके लिप से खून आ रहा था। उसे देखकर अकीरा को बहुत डर लग रहा था और वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। अगर उसने प्रणव को अब गुस्सा दिलाया तो प्रणव के एक पंच से ही वो खत्म हो जाएगी। प्रणव को देखकर उसे ये रियलाइज हो गया था। तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? तुम्हारे अंदर उसके लिए फीलिंग्स है? तुम उसे मिलने यहाँ बाहर आई थी? प्रणव का मुंह गुस्से से भरा हुआ था और उसकी आंखें लाल थी। अकीरा को पता चल गया था कि अगर उसने कुछ ऐसा जवाब दिया और प्रणव को गुस्सा दिलाया तो प्रणव उसे यही मार कर फेंक देगा। अकीरा ने कुछ बोलने की कोशिश की, तब उसने देखा कि प्रणव का हाथ पंच में ऊपर आ रहा था। वो डर गई थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि प्रणव उसे पंच करेगा और वो दर्द को एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन प्रणव ने अपना हाथ लूज किया और उसके सर के पीछे रखा और उसने देखा कि अकीरा के हाथ से खून आ रहा था। वो गुस्से में चिल्लाने लगा, ये क्या हुआ? ये सब तुम्हारे साथ उसने किया? अकीरा ने देखा कि प्रणव गौरव को फिर मारने जा रहा था। अकीरा ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया था। ऐसा नहीं था कि अकीरा को गौरव की फिक्र है। अगर प्रणव ने उसे फिर से मारा तो वो मर जाएगा। बस करो, तुम ऑलरेडी उसे बहुत मार चुके हो और शायद अब कुछ दिनों तक उसे हॉस्पिटल में ही रहना होगा। प्रणव उसे गुस्से में देखने लगा। तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है? अकीरा ने नहीं में इशारा किया और प्रणव को बोला, मुझे उसकी नहीं तुम्हारी फिक्र है। अगर तुम्हें इसके लिए जेल जाना पड़ा तो? प्रणव का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया था और उसने अकीरा की चिन को ऊपर किया और उसे लिप्स पर किस करते हुए बोला, तुम्हें मेरी फिक्र है? अकीरा मन में सोचने लगी, ऐसे टाइम और इसे किस याद आ रही है? और अभी भी वो इसका एडवांटेज ले रहा था। उसके क्वेश्चन का जवाब ना देते हुए अकीरा ने उसे बोला, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं रूम में जा रही हूँ। वो घूमकर 2 स्टेप आगे गई, तब उसे पीछे से किसी ने तो ऊपर उठा लिया था। प्रणव ने अपने स्ट्रॉन्ग हाथों में उसे ऊपर उठाया था और वो उसे हॉल में ले जाने लगा। वो हाइट में लंबी है और वेट में थोड़ी हैवी भी है। देखने में वो पतली है, लेकिन ऐसे उसका वेट थोड़ा ज्यादा है। लेकिन प्रणव ने यहाँ उसे एक छोटे बच्चे की तरह पकड़ा हुआ था और प्रणव के लिए ये बहुत आसान था। प्रणव का गुस्सा ही नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, हाई और एक्सट्रीम है। बानी ने गौरव को फोन पे बात करते हुए बाहर जाते हुए देखा था, लेकिन बहुत टाइम हो गया था और वो रिटर्न रूम में नहीं आया। उसने अपने मॉम डैड को पूछा गौरव के बारे में और वो रूम में भी नहीं था, तो उसे बाहर ढूंढने आने लगी। उसने जब हॉल का डोर खोला और बाहर आई, उसने देखा एक गौरव से भी ज्यादा लंबा लड़का एक लड़की को गोद में लेकर जा रहा था। उस लड़की का फेस उसके बालों से छुप गया था, लेकिन बानी ने उस लड़की का फेस देखने की कोशिश की और जब उसने लड़के का फेस देखा वो पागल हो गई थी। उसको हमेशा से लगता था कि गौरव बहुत हैंडसम है, लेकिन उसे देखकर वो चौंक गई थी। गौरव से भी बहुत हैंडसम था ये।